हेलो मेरे प्यारे बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीप मैथ्स एंड डाउटनेट पर बच्चों आज से हम क्लास ट्वेल्थ के एक नए चैप्टर का शुभारंभ करेंगे और ये चैप्टर बेटा क्लास ट्वेल्थ का एक आसान चैप्टर है और ये वही चैप्टर है जिसमें आप आराम से नंबर लेकर के आ सकते हो बट इसके लिए आपको इस चैप्टर के हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा इस चैप्टर में बेटा आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे बट इसके लिए आप सभी को ध्यान से मन लगा करके क्लासेज को अटेंड करना होगा ओके बेटा अच्छा अब सबसे पहले जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्सअप कीजिए थम्स अप एवरी वन थम्स अप देखिए बच्चों पिछली क्लास तक हमने क्लास ट्वेल्थ के पहले चैप्टर और फलन और दूसरे चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात कर ली है और जैसे कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देखा होगा आज से हम चैप्टर नंबर तीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बेटा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में मैं आपको आवयू के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा एंड उसके अलावा मैं बच्चों आपको आवयू के प्रकारों के बारे में बताऊंगा एंड आवयु से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पदों के बारे में बताऊंगा तो आज की क्लास बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास होने वाली है आवयू के इंट्रोडक्शन की बिकॉज बेटा आवयू को आप पहली बार अभी पढ़ रहे हो आज से पहले ना केवल ना कभी आपने आवयु का नाम सुना था आप पहली बार आवयु का नाम अभी सुन रहे हो ठीक है संबंध फलन आपने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था पृतुलुम त्रिकोण में, में पृतुलुम फलन आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया तो बट आवयु शब्द पहली बार आप यहीं पर पढ़ने वाले हो ठीक है तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से समझना होगा कि आवयु क्या होता है ठीक है अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है सारे बच्चे थम्सअप करेंगे सो दैट पता लग सके मुझे कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्सअप करिए थम्स अप एवरी वन थम्सअप सारे बच्चे थम्सअप करो सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप कीजिए हाँ बेटा मुझे मालूम है आज एम आई वर्सेज सी एस के का मैच है आई नो बट मैच हम बाद में देखेंगे पहले बेटा आपको क्लास अटेंड करनी है ठीक है बेटा पहले आपको क्लास को अटेंड करना है ओके बच्चों चलिए थम्स अप ठीक है सारे बच्चे रेडी हैं सारे बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए देखिए बेटा आज हम आव्यू के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है यदि हम बात करें बेटा इस अध्याय की तो ये देखो क्लास ट्वेल्थ का एक आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से बेटा डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी अलग अलग बोर्डों में अलग अलग मार्क के बेटा क्वेश्चन आते हैं किसी किसी बोर्ड में बच्चों को क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादा नंबर के भी किसी में नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है जैसे हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में लगभग बीस नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपी बोर्ड की बात करें तो बेसिकली बेटा ये जो चैप्टर है ना ये जो चैप्टर है आव्यू और आपका अगला जो चैप्टर है सारणिक ये दो चैप्टर मिक्स हैं ये दो चैप्टर बेटा मिक्स हैं आव्यू और सारणिक ठीक है आव्यू और सारणिक इन दोनों से कुल मिलाकर के बच्चों 20 से यदि हम बिहार बोर्ड की बात करें तो 40 से 45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यदि हम यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड की बात करें तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दोनों ही चैप्टर मिलकर के एक इकाई बनाते हैं जो बीज कहलाती थी है ठीक है बेटा अच्छा अब देखो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं ठीक है इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों आपको इतने सारे टॉपिक्स बेटा पढ़ने यहाँ पर आपको आवयु के बारे में जानना है आपको बेटा आवयु की कोटि के बारे में पढ़ना है आपको आवयु के प्रकारों के बारे में जानना है आवयों की समानता के बारे में पढ़ना है आवयों पर आपको संक्रियाएं देखनी है आवयों का योग करना सीखना है एक आवयु का एक उदृश्य गुणा करना सीखना है आवयु का अंतर ज्ञात करना सीखना है आवयु का गुणा करना सीखना है आवयु का परिवर्त ज्ञात करना सीखना है सम्य तथा विषम सम्मित आवयु के बारे में जानना है आवयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं देखनी है व्युतक्रम आवयु के बारे में पढ़ना है इसके अलावा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आवयु का व्युत भी ज्ञात करना सीखना है ठीक है तो इतने सारे टॉपिक्स हैं बेटा जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं ओके okay, बच्चों इतने सारे टॉपिक्स बच्चों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं ठीक है बेटा सर यूपी बोर्ड के लिए कौन सी बुक अच्छी है बेटा देखो अभी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वही पढ़ते रहो ठीक है अभी के लिए आप यही पढ़ते रहिए क्योंकि देखो इस साल है ना एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में चेंज किया है अब क्या पता बोर्ड्स भी अपने सिलेबस में चेंज कर दे क्योंकि सभी बोर्ड लगभग लगभग लग 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 एन को फॉलो करते थे तो जब तक एन जब तक आपके बोर्ड की तरफ से सिलेबस नहीं आ जाए ना तब तक बेटा ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सी बुक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी वैसे यदि हम बात करें पब्लिकेशन की तो आपके यूपी में बेटा मनोहर रे की किताब चलती है वो ज़्यादा सही है इसके अलावा शिवलाल पब्लिकेशन भी चलता है वो भी ठीक किताब देता है ठीक है रेफरेंस बुक यदि आपको लेनी है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप ले सकते हो वो अच्छी किताब है ठीक है बेटा चलिए चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम टॉपिक्स को तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आव्यू के बारे में कि आव्यू क्या होता है अच्छा आव्यू की जरूरत क्या पड़ी सबसे पहले तो बेटा हम यही समझते हैं ठीक है तो मान लीजिए आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है मान लीजिए शिवम है ठीक है अब मैंने कहा शिवम से कि शिवम आप बाजार जाइए और बाजार जा करके पांच पैन खरीद लाइए ठीक है अब मैं इस जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहता हूं तो बेटा मैं इसको देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं ऐसे लिखूंगा भाई मैंने किसको भेजा शिवम को भेजा क्यों भेजा पैन लाने के लिए अब कितने पेन लाने के लिए भेजा पांच पेन लाने के लिए भेजा ठीक है तो देखो बेटा मैंने इस जानकारी को इस तरीके से लिख दिया एक व्यवस्थित रूप में लिख दिया ठीक है अब यहां तो केवल एक ही बच्चा था मान लो दो बच्चे हमारे पास में एक शिवम है और एक सुमित है ठीक है मैंने इन दोनों बच्चों को मार्केट भेजा कि भाई जाओ और पेन खरीद के लाओ अब शिवम को बोला कि भाई वो सात पेन खरीद लाए और सुमित को बोला कि वो तीन पेन खरीद लाए अब इस जानकारी को हमें सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है तो उसको बेटा हमने ऐसे लिख दिया अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दो बॉक्सों का इंतजाम कर इस्तेमाल कर रहा हूं ये आयताकार डिब्बों का बेटा मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं अब इस आयताकार डिब्बे के अंदर मैं यहां पर कुछ प्रवृष्टिया कुछ अवयव लिख रहा हूं ठीक है बेटा ये जो आयताकार डिब्बा है ना यही बताता है कि एक आवयू आयत का डिब्बा ही एक आव्यू को बेटा इंगित करता है ओके ओके बेटा ठीक है ठीक है बच्चों? सर आपके बैच का को कोस्ट क्या है सर आपके बैच का को कोस्ट क्या है तेज प्रकाश बेटा देखो आपको यदि बैच का कोस्ट जाना है ना तो नीचे एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो इस नंबर पर कॉल करके बेटा आप बैच का प्राइस जान सकते हो ठीक है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बेटा एक गूगल फॉर्म भी है उस फॉर्म को भी आप भर सकते हो चैट सेक्शन में भी टॉप पर लिखा हुआ है उस फॉर्म को बेटा भर दीजिए ठीक है तेज प्रकाश ओके ओके, ओके बेटा चलिए बिहार बोर्ड के लिए बेटा काफी नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहां से तीस से चालीस नंबर के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं तीस से चालीस नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से भी ओके बेटा तीस से चालीस नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड से ओके चलिए अब देखो बेटा यहाँ पर तो हमारे पास दो बच्चे थे मैंने दो बच्चों को एक वस्तु लेने के लिए भेजा ठीक है अब ऐसे तो हमारे पास काफी सारे बच्चे हो सकते हैं है ना ऐसे तो हमारे पास काफी सारे बच्चे हो सकते हैं जैसे कि आप लोग क्लास में हो ठीक है और काफी सारी चीजें मैं उनसे मंगवा सकता हूं जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई ए बच्चा है कोई बी बच्चा है कोई सी बच्चा है कोई डी बच्चा है मैंने इससे कोई एक्स चीज मंगाई कोई वाई चीज मंगाई कोई जेड चीज मंगाई कोई डब्लू चीज मंगाई मान लो ए वाले को मैंने बोला कि भाई तू दो एक्स लिया तीन वाई लिया चार जेड लिया पांच डब्लू लिया ठीक है डब्लू चीजें लिया ठीक है पांच सेम ऐसे बी वाले को मैंने बोला कि तू पांच एक्स लिया चार वाई लिया तीन जेड लिया दो डब्लू लिया सी वाले को बोला मैंने कि तू सात एक्स लिया पांच वाई लिया तीन जेड लिया एक डब्लू लिया डी वाले को मैंने बोला कि तू दस तो एक्स लिया आठ वाई लिया पांच जेड़ लिया तीन टू डब्लू लिया अब यदि हम इस जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे बेटा इस तरीके से ठीक है इस जानकारी को बेटा हमने इस तरीके से लिख दिया ओके बेटा इस तरीके से मैंने इस जानकारी को लिख दिया ठीक है तो ये जो हम लिख पा रहे हैं ना बेटा ये यहां पर आप जो एक पैटर्न देख रहे हो ठीक है ठीक है बेटा ये जो आप पैटर्न देख रहे हो इसी को बच्चों हम लोग आव्यू कहते हैं ठीक है तो बेसिकली आव्यू होता क्या है आव्यू बेटा आव्यू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार एक आयताकार क्रम विन्यास होता है क्रम विन्यास होता है ठीक है अब यहां पर बेटा जो संख्याएं और फलन लिखे हुए हैं ना यहां पर बच्चों जो ये संख्याएं और फलन लिखे हुए हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं आवयु के अवयव ठीक है तो यहां पर आप लिख लीजिए कि इन संख्याओं या फलनों को हम आवयु के अवयव कहते हैं ठीक है बेटा जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आवयु लिखा हुआ है दो चार पांच सात छ तीन दो एक जीरो चार माइनस एक दो तीन पांच सात ये मान लो हमारे पास एक आव्यु लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर बेटा यहां पर आप देखिए यहां पर यह जो संख्याएं लिखी हुई है ना इन्हें हम लोग बोलते हैं आवयु के अवय ठीक है बेटा अच्छा अब देखिए बच्चों यहां पर यहां पर बेटा जो आपको ये क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही है ना क्षेत्रज रेखाएं इनको बेटा हम लोग बोलते हैं पंक्ति क्या बोलते हैं इनको हम पंक्ति बोलते हैं यहां पर आपको इस तरह से क्षेत्र रेखाएं बनती हुई नजर आ रही होंगी ठीक है इनको बेटा हम लोग पंक्ति बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा पंक्ति ठीक है और, और बेटा और यहां पर बच्चों आपको कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी बनती हुई नजर आ रही होंगी जैसे यहां पर देखिए पांच ऊर्ध्वाधर रेखाएं बन रही हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा स्तंभ क्या बोलते हैं बेटा इनको हम स्तंभ ठीक है तो जो क्षैतिज पंक्तियां होती क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्ति बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें बेटा हम स्तंभ बोलते हैं ओके बच्चों छैतीस रेखाओं को हम पक्ति बोलते हैं उर्ध्वाधर रेखाओं को बेटा हम स्तंभ कहते हैं ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अव्य को हम किस किस तरीके से दर्शाते हैं तो एक तो हम इस तरीके से दर्शा देते हैं या किसी किसी किताब में आपको बेटा इस तरीके से भी दर्शाते हुए दिख जाएगा दो खड़ी डंडी इधर दो खड़ी डंडी इधर और बीच में लिख रखें अवयव इस तरीके से भी हम आवयु को दर्शाते हैं ठीक है और बेटा आवयु को हम प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं लाइक ए बी सी डी पी इस तरीके से लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ठीक है अब देखिए बच्चों एक आवयु में कुछ पंक्तियाँ होती हैं कुछ बेटा स्तंभ होते हैं ठीक है अब ये पंक्तियाँ और ये स्तंभ इनकी संख्या बेटा निर्धारित करती है आवयु की कोटी ठीक है तो आवयु की कोटी क्या होती है आवयु की कोटी होती है बेटा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या निर्धारित करती है बेटा आवयु की कोटि को ठीक है जैसे मान लीजिए किसी आवयु में एम पंक्ति है एन स्तंभ है तो उस आवयु की कोटि हो जाएगी एम गुणा एन ये बेटा आवयु की कोटि हो जाएगी यदि किसी आवयु में एम पंक्ति एन स्तंभ है तो आवयु की कोटि होगी एम गुणा एन ओके बेटा आवयु की कोटि एम गुणा एन हो जाएगी ठीक है ये पढ़ाकू बेटा क्या कह रहा है पढ़ाकू बेटा क्या कहना चाह रहा है सर इसमें यह प्रॉब्लम होती है कि हम जैसे अपने स्कूल टीचर से क्वेश्चन करते हैं वैसे आपसे नहीं कर सकते जैसे वो पर्सनली समझाते हैं सर कुछ क्वेश्चन में बहुत डाउट है पढ़ाकू बेटा तो पूछो ना किस में क्या डाउट है यार मैंने मना कब किया है एम एन क्या है बेटा एम तो है पंक्तियों की संख्या एम क्या है बेटा ये तो है पंक्तियों की संख्या कि किसी आवयु में कितनी पंक्तियां हैं पंक्तियों की संख्या है और एन है बेटा स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या ठीक है जैसे बात करें इस वाले एग्जाम्पल की तो यहां पर देखो कितनी पंक्तियां हैं कितनी छैतीस रेखाएं हैं तीन तो पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा तीन ओके ऊर्द्वाद रेखा कितनी है पांच तो स्तंभों की संख्या कितनी है पांच तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा तीन गुणा पांच क्योंकि यहां पर तीन पंक्तियां हैं और पांच स्तंभ इस हैं इसलिए ओके बच्चों इसकी कोटि तीन गुणा हो जाएगी सेम ऐसे इसकी बात करें तो यहां पर देखो बेटा एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार पंक्तियां हैं चार स्तंभ है इसकी कोटी चार गुणा चार हो जाएगी इसकी बात करें तो यहां पर दो पंक्ति हैं और एक स्तंभ है इसकी कोटि दो गुणा एक हो जाएगी इसकी बात करें यहां पर एक ही पंक्ति एक इस स्तंभ इसकी कोटि एक गुणा एक हो जाएगी ठीक है तो ये होती है बेटा आवयु की कोटि किसी आवयु में जितने पंक्तियां होती है जितने स्तंभ होते हैं उसके आधार पर हम आवयु की कोटि निर्धारित करते हैं ठीक है यदि किसी आवयु में एम पंक्तियां हैं एन स्तंभ में तो आवयु की कोटि होती है एम गुणा एन क्लियर यहां तक हां बेटा आपकी डेली लाइव क्लास चलती है इसी टाइम पर इसी टाइम पर बच्चों आपकी डेली लाइव क्लास होती है ठीक है बेटा डेली ही लाइव क्लास होती है आपकी इसी टाइम पर क्लियर क्लियर बेटा क्लियर चलिए अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आवयु में अवयवों की संख्या के बारे में कि आवयु में कितने अवयव होंगे तो यहां पर यदि हमारी कोटी m गुणा एन है तो अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या बराबर हो जाती है बेटा एम एन के बराबर जैसे मान लो आव्यु की कोटि चार गुणा तीन है तो उसमें अभिभवक की संख्या कितनी होगी चार तारह किसी आव्यु की कोटि छः गुणा पांच है तो उसमें अभिभावक की संख्या होगी छः पंजे तीस ठीक है आवाज नहीं आ रही है आ रही होगी बेटा आवाज तो आवाज तो बच्चों आ रही होगी आ रही है बेटा आवाज तो आवाज तो बच्चों आ रही है फिजिक्स की क्लास चल रही है बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास क्लियर बेटा अच्छा अब इसके बाद चलते हैं हम आगे ठीक है अब देखो हम आव्यू को लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता दू ठीक है तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आव्यू ए है ठीक है इसमें एम पंक्तियां हैं एन स्तंभ है तो इसके अवयवों को बेटा हम लिखते कैसे हैं तो यहां पर बेटा मान लो हमारे पास कोई अवयव ए है अब अवयु के अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के साथ बेटा दर्शाते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए बेटा ये अवयव ये वाला जो अवयव है ये कौन सी पंक्ति में आ रहा है ये बेटा पहली पंक्ति में आ रहा है कौन से स्तंभ में आ रहा है बेटा ये पहले स्तंभ में आ रहा है इसका यदि हम स्थान पूछें आप ऐसे सोचो कि आपके पास में बेटा आप इसको ऐसे सोचो कि मान लीजिए आपके मोहल्ले में या आपके शहर में पांच गलियां हैं ठीक है आपके शहर में बेटा पांच गलियां हैं और प्रत्येक गली में पांच मकान हैं ठीक है इस तरीके से ओके इस तरीके से है मान लो चार ही मकान हैं इस पहली गली में एक मकान बेटा ये रहा एक दूसरा मकान ये रहा तीसरा मकान ये रहा चौथा मकान ये रहा इस वाली गली में ये रहे इस वाली गली में ये रहा मकान इस वाली गली में मान लो मकान ये रहा इस तरीके से मकान है ठीक है अच्छा अब यदि बेटा मैं इसको देना चाहूँ तो देखो ये पहली लाइन है ये दूसरी है ये तीसरी गली है चौथी गली है ये पांचवी है मान लो ठीक है तो इसको मैं क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा बेटा कि ये पहली गली का पहला मकान है यही बोलूंगा बेटा मैं क्या बोलूंगा कि ये पहली गली का पहला मकान है सर साउंड आ रहा है आ रहा है ना बेटा साउंड तो साउंड आ रहा होगा आ रहा है साउंड हाँ आ रहा है अच्छे से आ रहा है साउंड तो अच्छे से आ ही रहा है हाँ भाई ठीक है चलिए तो इसको क्या बोलूंगा मैं कि ये पहली गली का पहला मकान है सेम इसको क्या बोलूंगा कि तीसरी गली का पहला मकान है इसको क्या बोलूंगा कि चौथी गली का दूसरा मकान है इसको क्या बोलूंगा कि ये पांचवी गली का चौथा मकान है अच्छा बेटा इसको क्या बोलोगे आप लोग इसको बताओ इसको क्या बोलोगे आप इसको बताइए बच्चों आप लोग क्या बोलोगे बताइए बेटा क्या बोलोगे आप इसको क्या बोलोगे बेटा इसको कि दूसरी गली का तीसरा मकान है ठीक है तो ऐसे बेटा यहां पर देखिए ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो हम यहां पर लगा देंगे वन वन ए वन वन ठीक है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है ना तो उसको तो मैं यहां से हटा देता हूं अच्छा इसी प्रकार यहाँ पर अगला अवयव होगा अब ये बेटा पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है तो इसका एड्रेस होगा ए वन टू ये बेटा इसका एड्रेस हो जाएगा ठीक है अच्छा इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है तो ए वन थ्री हो जाएगा ये पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का है ये ए वन फोर हो जाएगा एंड इसी तरीके से बेटा आगे चलता रहेगा ठीक है और हमारे पास चूंकि स्तंभों की संख्या एन है तो ये ए वन एन हो जाएगा ठीक है बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सेम ऐसे यहां पर जो अवैध होगा अब देखो क्या होगा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवैध होगा तो टू तो वन हो जाएगा ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का वह होगा टू तो टू तो हो जाएगा ये टू थ्री ये बेटा टू तो फोर हो जाएगा ठीक है बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा ओके okay, बेटा अच्छा अब इसी तरीके से आगे चलता रहेगा और ये हो जाएगा ए टू एन ठीक है ऐसे ये अब होगा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का ए थ्री वन ये बेटा ए थ्री टू हो जाएगा ये ए थ्री थ्री हो जाएगा ये ए थ्री फोर हो जाएगा ये डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा और ये ए थ्री एन हो जाएगा ठीक है ऐसे ही ए फोर वन ए फोर टू ए फोर थ्री ए फोर फोर और इस तरीके से चलते चलते ये ए फोर एन बन जाएगा ठीक है बेटा ये हमारे पास बन जाएंगे ठीक है ओके बच्चों ये हमारे पास बेटा हो जाएंगे ठीक है अब इसी तरीके से आगे आगे यहां पर ये मान लो हमारे पास एम भी पंक्ति है तो ये ए एम वन हो जाएगा ये ए एम टू हो जाएगा ये ए एम थ्री हो जाएगा ये ए एम फोर हो जाएगा एंड इस तरीके से आखिरी का भी होगा ए एम एन ठीक है तो ये बेटा हमारे पास आव्यू बन जाएगा ठीक है ये बेटा आव्यू हमारा हो जाएगा क्लियर बेटा ये हमारे पास आव्यू बन जाएगा ठीक है बच्चों ये हमारा आव्यू हो जाएगा ठीक है दो दिन में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे थी। ठीक है बेटा आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैंने आपको आवयु के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया अभी मैंने आपको बताया कि आवयु के अंदर हम अवयवों को कैसे लिखते हैं ओके अच्छा अब आगे चलते बेटा आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर देखो हमारे पास एक उदाहरण है यहां पर हमारे पास एक आवयु दिया गया है हमने निम्नलिखित को ज्ञात करना है ठीक है तो यहां पर देखो बेटा सबसे पहले मैं बताना है इस आवयु की कोटि कितनी होगी तो चलिए बच्चों बताइए इस अवयु की कोटि कितनी होगी बेटा यहां पर कितनी पंक्तियां हैं एक दो तीन तो इसकी कोटि होगी तीन गुणा स्तंभ कितने एक दो तीन चार तो इसकी कोटि हो जाएगी बेटा तीन गुणा चार कितनी होगी बेटा कोटि तीन गुणा चार होगी अच्छा इसमें अवयवों की संख्या कितनी है अवयवों की संख्या कितनी बेटा यहां पर तीन गुणा चार बेटा इसकी कोटी हो जाएगी अब अवयवों की संख्या कितनी होगी बताइए बच्चों मुझे कितने की बेटा तीन चौके बारह होगी ठीक है कितनी होगी तीन चौके बारह ओके अच्छा आगे पूछा गया है, ए वन थ्री क्या होगा तो ए वन थ्री देखो बेटा क्या होगा पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव तो सबसे पहले हम पहली लाइन में चले वन टू थ्री तीसरे नंबर पर क्या मिला उन्नीस तो ए वन थ्री बराबर हो जाएगा उन्नीस के इसी प्रकार ए टू वन देखे क्या होगा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव तो दूसरी लाइन में चले सबसे पहले क्या मिला पैंतीस तो ये हो जाएगा बेटा पैंतीस के बराबर इसके बाद हमें निकालना है ए थ्री थ्री तो ए थ्री थ्री का मतलब क्या हुआ तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव अब तीसरी पंक्ति में जाना है और तीसरे नंबर पर जाना है तो पहला दूसरा तीसरा क्या है बेटा माइनस पाँच ठीक है तो ये हो गया माइनस पाँच ऐसे ही अगला है ए टू फोर अब बच्चों आप बताइए मुझे ए टू फोर क्या होगा बताइए बेटा ए टू फोर क्या होगा बताइए बच्चों मुझे ए टू फोर के बारे में ए टू फोर बेटा क्या होगा बताइए बता बच्चों ए टू फोर क्या होगा क्या होगा बेटा बारह होगा देखो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का तो दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का वो है बारह तो ये बिल्कुल बेटा बारह हो जाएगा अच्छा इसी प्रकार बताइए एट टू थ्री क्या होगा एट टू थ्री बताइए बेटा क्या होगा एट टू थ्री बताइए बच्चों क्या होगा ए टू थ्री बेटा क्या होगा बताइए मुझे बताइए बेटा ए टू थ्री क्या होगा ए टू थ्री बताइए बेटा क्या होगा ये हो जाएगा पांच बेटे दो है ना सिंपल बिल्कुल सिंपल है ना देखो तभी मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ही आसान है तो इस तरीके से आंसर देने ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं ठीक है बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर में आ जाते हैं ओके okay बच्चों चलिए अब चलते बेटा हम आगे अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है यदि किसी आयु में चौबीस अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है यदि इसमें तेरह अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है तो चौबीस अवयव है यदि किसी आयु में तो उसकी संभव कोटियां कौन कौन सी हो सकती हैं तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है आपको बेटा ये देखना है कि चौबीस के कौन कौन से गुणखंड संभव हैं अब आज जो गुणखंड कौन कौन से संभव है तो एक हो सकता है बेटा एक गुणा चौबीस एक हो सकता है दो गुणा बारह एक हो सकता है तीन गुना आठ एक हो सकता है चार गुना छः च्य, एक छः च्या गुणा चार एक आठ गुना तीन एक बारह गुणा दो और एक चौबीस गुणा एक तो टोटल कितने संभव हो गए दो चार दो छः दो, दो आठ तो आठ इसकी संभव कोटियाँ हो सकती हैं कितनी है कोटियाँ हो सकती है बेटा आठ संभव कोटियाँ हो सकती हैं क्लियर बच्चों आठ बेटा संभव कोटियां हो सकती हैं संभव कोटियों की संख्या आठ हो जाएगी ठीक है अच्छा आगे का आगे यदि इसमें तेरह तो कौन कौन कौन, कौन सी कोटियां संभव है तो बेटा इस केस में एक तो एक गुणा तेरह हो जाएगी एक हो जाएगी तेरह गुणा एक केवल बेटा दो ही कोटियां संभव है इस केस में एक गुणा तेरह और तेरह गुणा एक क्लियर बच्चों केवल दो ही कोटिया बेटा यहां पर संभव हो जाएंगे ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा हम आवयु की रचना के बारे में कि कैसे हम किसी आवयु की रचना करते हैं तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर उदाहरण है कि एक तीन गुणाचार आवयु की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त हैं तो एक को मैं करवा रहा हूँ दूसरे को आप खुद से करना पहले वाले को मैं आपसे करवा रहा हूँ ठीक है अब सबसे पहले देखिए बेटा यहाँ पर कहा गया कि हमें तीन गुणा चार अवयु की रचना करनी है मतलब हमें एक ऐसा अवयू बनाना है जिसमें तीन पंक्तियां हैं और चार स्तंभ हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो कौन कौन से अवयव संभव हैं तो एक संभव हो जाएगा ए वन वन एक ए वन टू एक ए वन थ्री एक ए वन फोर एक ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर ये बेटा हमारा आव्यू बन जाएगा ठीक है अब बेटा मुझे इन सब के मान ज्ञात कर रहे हैं कैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर बच्चों में ए आई जे बराबर दे रखा है माप एक बटे दो गुणा मापांक माइनस तीन आई प्लस जे ये दे रखा है पहले निकालना है ए वन वन ए वन वन क्या होगा एक बटे दो मापांग आई की जगह एक j की जगह करें तो माइनस तीन गुणा एक प्लस एक हो जाएगा माइनस तीन गुना एक माइनस तीन प्लस एक माइनस के दो माइनस दो का मापांग दो बटे दो कितना हो जाएगा एक ऐसे ही आपको वेब निकालने हैं ए वन टू बराबर एक बटे दो गुणा मापांग माइनस तीन गुणा एक प्लस दो हो जाएगा तो माइनस तीन प्लस दो माइनस का एक माइनस का एक का मापांग एक तो ये हो गया एक बटे दो ऐसे ए वन थ्री तो ये हो जाएगा एक बटे दो मापांक माइनस तीन गुणा एक प्लस में तीन हो जाएगा तो ये बेटा जीरो आ जाएगा ए वन थ्री इसी प्रकार ए वन फोर हमें ए वन फोर चाहिए ना तो अब देखो ए वन फोर क्या होगा ये हो जाएगा एक बटे दो मापांक माइनस तीन गुणा एक प्लस चार चार में तीन गए एक तो ये आ जाएगा एक बटे दो के बराबर यह आ गया ए वन फोर ऐसे ही अब निकालेंगे ए टू वन तो हो गया एक बटे दो मापांक माइनस तीन गुणा दो प्लस में एक तो माइनस छः प्लस एक माइनस के पाँच माइनस पाँच के वहाँ पाँच तो ये पाँच बटे दो हो जाएगा ए टू वन फिर ए टू टू क्या होगा एक बटे दो महापांक माइनस तीन गुना दो प्लस में दो तो माइनस छः प्लस दो माइनस चार माइनस छः चार चार में दो का भाग लगेंगे तो दो हो जाएगा इसी प्रकार ए टू थ्री निकालोगे आप तो ये तीन बटे दो आ जाएगा ए टू फोर निकालोगे आप तो ये आपके पास एक आ जाएगा ठीक है बेटा इसी प्रकार ए थ्री वन निकालोगे तो ए थ्री वन बराबर हो जाएगा एक बटे दो मापांक माइनस तीन गुणा तीन प्लस एक तो माइनस नौ प्लस एक माइनस के आठ माइनस के आठ का मापांक आठ आठ में दो का भाग लाओगे तो चार हो जाएगा ए थ्री टू बराबर सात बटे दो हो जाएगा ए थ्री थ्री बराबर थ्री हो जाएगा एंड ए थ्री फोर बराबर पाँच बटे दो हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास सारे अभिभोग के मान आ गए ठीक है बच्चों हमारे पास सभी अभिभोग के मान बेटा आ चुके हैं आपने अभी तक क्लास ट्वेल्थ की मैथ स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी आप ज्यादा लेट नहीं हुए हो हु। अभी मैंने केवल दो ही चैप्टर कराए आज से तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है तो अब से यूनिक सनु आपको कंटिन्यू रहना है बेटा एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है ठीक है एंड इसके अलावा आपको जब जब टाइम मिले उसके उस टाइम में बेटा प्रीवियस लेक्चर को भी रिपीट कर लीजिएगा ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है पहले चैप्टर में नौ दस नौ दस लेक्चर हैं दूसरे चैप्टर में भी छः सात लेक्चर ही हैं ठीक है जैसे कल का दिन मिल रहा है आपको संडे का उसके अलावा और भी आपको आगे छुट्टियाँ मिलेंगी उन छुट्टियों में आप उनको कवर कर लेना ओके अभी दो चैप्टर हो चुके हैं बेटा पहला और दूसरा ये बेटा आपका तीसरा चैप्टर है ठीक है बेटा ओके okay. चलिए अब यहां पर देखिए बच्चों इसका हमारे पास मान आ गया सभी अब के तो अब देखो हमारे पास आव्यू क्या हो जाएगा मान लो बेटा ये आव्यू ए है तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हो गया एक इसका मान आया एक बटे दो यह आ गया जीरो ये हो गया एक बटे दो यहाँ पर मान आया पांच बटे दो दो तीन बटे दो एक ठीक है यहां पर मान आया चार सात बटे दो तीन पांच बेटे दो तो इस तरीके से बेटा हमने आवयु की रचना कर दी ठीक है इस तरीके से बच्चों हमने आवयु की रचना कर दी बेटा ओके बच्चों क्लियर एवरी वन सबको समझ में आ गया बेटा सभी को समझ में आ गया बच्चों हाँ बेटा डेली क्लास होती है आपकी शाम को छः बजे ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम आवयु के प्रकारों पर अब देखो आवयु के प्रकार है ना बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसान है जैसे पहला प्रकार है पंक्ति पंक्तियावयु तो पंक्ति आवयु क्या होता है नाम से पता लग रहा है पंक्ति है पंक्ति यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है तो पंक्ति पंक्तियावयु क्या होता है एक ऐसा आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो उसे बेटा हम पंक्ति आवयु कहते हैं ठीक है जिसमें केवल एक पंक्ति है उसको बेटा हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर है एक और इसकी कोटि होती है बेटा एक गुणा एन जैसे मान लो मैंने यहां पर आव्यूह लिखा है एक दो तीन चार तो यहां पर देखो पंक्तियों की संख्या केवल एक है स्तंभ चाहे कितने भी हो हमें स्तंभ से मतलब नहीं है पंक्तियों की संख्या बेटा केवल यहां पर एक है तो इसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं ओके बच्चों कल क्लास नहीं होगी बेटा संडे को बेटा कल क्लास नहीं होगी ओके बच्चों? कल बेटा आपकी क्लास नहीं होगी ठीक है बेटा कल आपकी क्लास नहीं होगी तो पंक्तियों की संख्या यहां पर कितनी है एक तो इसलिए इसको हम पंक्ति आवयु कहते हैं सेम अगला प्रकार है स्तंभ स्तंभाव क्या होता है जिसमें स्तंभों की संख्या एक होती है स्तंभों की संख्या बेटा एक होती है उसे हम स्तंभ आवयु कहते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बी आवयु लिखा हुआ है एक दो तीन चार तो क्या कितने स्तंभ हैं केवल एक तो इसको बेटा हम स्तंभ आवयु कहते हैं ओके ये कहलाता है बेटा स्तंभ आवयु ओके बच्चों चलिए इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले आवयु के प्रकार पर अगला प्रकार है क्षैतिज आवयु अब देखिए बच्चों क्षैतिज आवयु क्या होता है ठीक है।, है तो क्षैतिज क्षैतिज का मतलब है पंक्तियां ठीक है तो एक ऐसा आवयु क्षैतिज आवयु क्या कहलाता है एक ऐसा आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है उसको बेटा हम क्षैतिज क्षेत्र कहते हैं यानी एम ग्रेटर देन, देन एम है एन है तो वो क्षैतिज क्षेत्र कहलाता है ऐसी ऊर्ध्वाधर आवयु जिसमें ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या अधिक होती है मतलब स्तंभों की संख्या अधिक होती है यानी कि एन ग्रेटर देन एम होता है उसे हम ऊर्ध्वाधर आवयु कहते हैं और जिसमें दोनों ही बराबर होती है उसे बेटा हम वर्ग आवयु कहते हैं जहां पर एम बराबर एन होता है उसको बच्चों हम वर्ग आवयु कहते हैं ओके बेटा जहां पर क्षैतिज रेखाओं की संख्या और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या बराबर होती है उसे बेटा हम वर्ग आवयु कहते हैं ओके बच्चों, क्लियर बेटा क्लियर बच्चों க்ளியர் பீட்டா क्लियर बच्चे आ तक चलिए क्लियर आ तक वर्ग आप भी क्या होता है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों की संख्या बराबर होती है अर्थात एक ऐसा आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग आवयु कहते हैं ठीक है बेटा चल ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आवयु है अब अगला है विकर्ण आवयु देखिए बच्चों आवयु के प्रकारों को मैं आपको अगली क्लास में भी फिर से रिपीट कर दूंगा ठीक है विकर्ण आवयु क्या होता है बेटा विकर्ण आवयु एक ऐसा वर्ग आवयु होता है एक ऐसा वर्ग आवय होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर अब मुख्य विकर्ण क्या होता है मुख्य विकर्ण क्या होता है तो मान लीजिए बेटा हमारे पास ये तीन गुणा तीन कोटि का कोई वर्ग अवयव है तो इसमें बेटा ये जो अवयव है ना ये ये वाले तिरछे वाले विकर्ण वाले अवयव हैं इन इसको बोलते हैं बेटा हम मुख्य विकर्ण ठीक है इसको बच्चों हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं यानी जहां पर क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर दोनों नंबर सेम होते हैं जहाँ पर गली नंबर और मकान नंबर दोनों सेम होते हैं उस उन अवयवों को बेटा हम मुख्य विकर्ण के अवयव कहते हैं वो अवयव जिस विकर्ण में होते हैं उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं तो ये हमारे पास मुख्य विकर्ण है अब यदि किसी वर्ग आवयु में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी सारे अवयव शून्य हों तो उसे बेटा हम विकर्ण आवयु कहते हैं मतलब कोई इस प्रकार का आवयु हो कि ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी तो उसको बेटा हम विकर्ण आवयु कहते हैं अब यदि विकर्ण आवयु में भी मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हों तो उसको बेटा हम बोलते हैं अधिस आवयु ठीक है क्या होता है यहां पर मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं तो ए आई जे बराबर होता है ए के जब आई बराबर हो जे के एंड ए आई जे बराबर था जीरो के जब आई नॉट इक्वल टू हो जे के तो ये बेटा अधिस आव्यू कहलाता है ठीक है अब यदि अधिस आव्यू में भी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर भी हैं साथ में एक के बराबर हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा तत्समक आव्यू या इसका दूसरा नाम भी होता है इकाई आवयु ठीक है मतलब ए आई जे बराबर एक के जब i बराबर j है और जीरो के बराबर है जब i नॉट इक्वल टू जे है तो ये बेटा इकाई आवयु कहलाता है इसको बेटा हम i से व्यक्त करते हैं अब देखो एक गुणा एक तत्समक टीका क्या होता है केवल ये दो गुणा दो को टीका यूथा एक जीरो जीरो एक तीन गुणा तीन ये होता है एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक तो ये बेटा तत्समक आवयु है ठीक है डेफिनेशन बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा ठीक है इसके बाद अगला है शून्य रिक्त तो एक ऐसा जिस एक ऐसा वर्ग आवयु एक ऐसा वर्ग जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव शून्य होते हैं क्या बेटा एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयू होते हैं और इसके अलावा बाकी के अवयव भी शून्य होते मतलब एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं उसे हम शून्य या रिक्त अवयु कहते हैं नाम से पता लग रहा है शून्य शून्य मतलब सब कुछ शून्य है ठीक है इसको बेटा हम इस तरीके से दर्शाते हैं जैसे हम बात करें एक कोटि के शून्य एक गुणा एक कोटि के तो वो ये हो जाएगा दो गुणा दो कोटि का बेटा ये हो जाएगा तीन गुणा तीन कोटि का ये हो जाएगा तो ये होता है बेटा शून्य अव ठीक है तो ये थे बच्चों आपके आवयु के प्रकार इनको हम नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे ठीक है चलिए चलिए बेटा अब आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं समय हो गया आपकी आज की क्विज का तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का प्रश्न जो कि बेटा ये है यहाँ पर आपको अवयू बी दे रखा है जिसमें अवय बी आई जे के रूप में को टी एस की दो गुणा चार आपको बी में अवयवों की संख्या बतानी है कितनी होगी अवयू बी में अवयवों की संख्या बेटा कितनी होगी बताइए बच्चों इसका आंसर जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए बेटा मैं स्टार्टिंग से डेफिनेशन लिखवा दूंगा सभी अभियोग के प्रकारों की स्टार्टिंग से मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा डोंट वरी ठीक है ओके बेटा बी में अभियोग की संख्या कितनी होगी आठ चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आवयु की कोटी क्या है बेटा बताइए बच्चों इस आवयु की कोटि क्या है जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए आवयु की कोटि क्या है बच्चों ऑप्शन दो गुणा दो चलिए अब देखते हैं बेटा इनके आंसर तो यहाँ पर देखो कितने आठ तो सी ऑप्शन होगा कितनी पंक्तियां दो कितने दो? कोटी एम दो गुणा ये वर्ग आवयु कब होगा बताइए बेटा कब होगा जब एम बराबर एन होगा तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है क्लास ट्वेल्थ के दो चैप्टर हैं जिनसे एक मिलकर बनी है और उस इकाई का नाम है बीज गणित अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अलजेब्रा इसके अंतर्गत बेटा दो चैप्टर आ रहे हैं आपके एक है ये आव्यू और एक आएगा इसका अगला चैप्टर सार्डिक ठीक है ये दोनों चैप्टर बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारणिक में भी आप आव्यू का ही प्रयोग करोगे ठीक है अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आवयू के बारे में ओके अब देखो के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो के अंतर्गत बेटा आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, हैं। सबसे पहले आपको आवयू को समझना है आवयू क्या होता है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था आवयु की कोटि के बारे में जानना ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आवयु के प्रकार पढ़ने ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था आज अगेन इसको मैं रिपीट कर दूंगा ठीक है फिर हम आवयु की समानता के बारे में बात करेंगे कि कब दो आवयु समान होते हैं फिर हम आवयु पर संक्रह देखेंगे जिसमें हम आवयु का योग करना एक आवयु का एक से गुणा करना आवयु का अंतर ज्ञात करना सीखेंगे इसके बाद हम आवयु का गुणा करना सीखेंगे फिर हम आवयु का परिवर्त ज्ञात करना सीखेंगे फिर हम सम्य तथा विषम सम्मित आवयु के बारे में बात करेंगे फिर हम आवयु पर प्रारंभिक संक्रह देखेंगे जिससे हम आवयु का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करेंगे फिर हम व्युतक्रम्यु के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा का ज्ञात करना सीखेंगे तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं अब पिछली क्लास तक बच्चों हमने केवल ये दो टॉपिक पढ़े थे ये वाला टॉपिक भी पढ़ लिया था बट इसको हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो आज की क्लास में इसको बहुत ही बेसिक के साथ अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है हाँ, पिछली क्लास में मैंने परिभाषा नहीं लिखवाई थी किसी भी प्रकार के आवयू की उसको बेटा आज मैं आपको लिखवाऊंगा ओके चलिए चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को तो आव्यू के प्रकारों बेटा सबसे पहला प्रकार है पंक्ति आव्यू ठीक है अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे देखो बेटा पंक्ति आवयु क्या होता है अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स क्या होता है पंक्ति आवयु तो एक ऐसा आवयु एक ऐसा आवयू जिसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या जिसमें पंक्तियों की संख्या बराबर हो एक के उसे हम पंक्ति आवयु कहते हैं ठीक है एक ऐसा आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या एक के बराबर हो उसे हम पंक्ति आवयु कहते हैं मतलब बेटा यहां पर m बराबर होता है एक ठीक है और इसकी कोटी होती है कोटी होती है बेटा एक गुणा एन ये होती है पंक्ति आवयु की कोटि एक गुणा एन ओके बेटा पंक्ति आवयु उसे कहते हैं हम लोग एक ऐसा आवयु जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है उसे हम पंक्ति आवयु कहते हैं एम बराबर एक कोटि हो जाएगी बेटा एक गुणा एन हाँ बेटा ये सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें मान लो हमारे पास ए आवयु है अब यहां पर बेटा केवल एक ही पंक्ति होगी। स्तंभ कितने ही हो सकते हैं तो जैसे दो चार जीरो पांच सात तो कितनी है एक गुणा पांच तो ये बेटा एक पंक्ति आव्यू है, क्योंकि पर पंक्तियों की संख्या केवल एक है क्लियर चलिए इसके बाद चलते इस अगले आवयु पर अगला अवयु बेटा स्तंभ ठीक है अब स्तंभावय क्या होता है तो एक ऐसा अवयु एक ऐसा आव्यू जिसमें जिसमें स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है एक के एक ऐसा आव्यू जिसमें स्तंभों की संख्या एक के बराबर हो उसे हम स्तंभ आव्यू कहते हैं उसे स्तंभ आवयु कहते हैं ठीक है एक ऐसा आवयु जिसमें स्तंभों की संख्या एक के बराबर हो उसे हम स्तंभ आवयु कहते हैं ओके बेटा अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा पंक्ति आवयु में क्या था यहां पर पंक्तियों की संख्या एक थी तो इसलिए इसको हमने बोला पंक्ति आवयु यहां पर क्या बेटा स्तंभों की संख्या एक है तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं स्तंभ अवयु ठीक है तो ऐसे बेटा आप इनको याद रख सकते हो पंक्तियों की संख्या एक है तो पंक्तियाव्यू स्तंभों की संख्या एक है तो हो जाएगा स्तंभ ठीक है बेटा क्लियर अच्छा यानी कि यदि किसी आवयु की कोटि एम गुणा एन है तो यहां पर बेटा एन बराबर होगा एक ठीक है और कोटी क्या होगी कोटी बेटा इसकी हो जाएगी एम गुणा एक के टाइप में ठीक है यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे हमारे पास बी आव्यू है मान लीजिए बेटा ये है एक दो पांच सात ठीक है तो इसमें चार पंक्तियां हैं एक स्तंभ में कोटी होगी चार गुणा एक क्लियर बेटा तो ये होता है स्तंभ आवयु एक ऐसा आवयु जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो उसे हम स्तंभ आप कहते हैं क्लियर है वन समझ में आ गया बेटा जय महाकाल बेटा जय महाकाल हाँ बेटा मेरी क्लास प्रत्येक दिन होती है जब जब मैं ठीक होता हूं प्रत्येक दिन बेटा क्लास होती है शाम के छ बजे ठीक है शाम के छह बजे बेटा प्रत्येक दिन क्लास होती है मेरी ओके हेलो तेजांकर गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग चलिए इसके अलावा इसके अलावा बच्चों अब से डेली आपको मैं होमवर्क भी दिया करूंगा जैसे कि आप लोगों ने बेटा डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा और चैट सेक्शन में भी टॉप पर लिखा हुआ है होमवर्क तो वो होमवर्क बच्चों आपको जरूर करना है ठीक है बेटा होमवर्क आप सभी को जरूर करना है अब से डेली आपको क्लासेज में होमवर्क मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क का डिस्कशन भी होगा तो आपको होमवर्क जरूर करना है ठीक है हाँ टेस्ट भी लगा लो होमवर्क भी लगा लो सेम ही चीज है बेटा दोनों ही चीजें सेम है टेस्ट भी और होमवर्क भी सेम ही वो है ना होमवर्क का मतलब क्या टेस्ट ही है ठीक है ओके चलिए क्लियर बेटा पंक्ति आवयू स्तंभ समझ में आ गए चलिए अब अगला का प्रकार है छयू अब देखो क्षैतिज आवयु क्या होता है तो एक ऐसा आवयु एक ऐसा आवयु जिसमें जिसमें एन ग्रेटर देन एम हो मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो छैतिज रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाओं से कम हो उसे हम क्षेत्र कहते हैं भाई मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि छैतिज रेखाओं को हम पंक्ति बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ बोलते हैं तो एक ऐसा अव्यु जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे हम छेज आव्यु कहते हैं ठीक है, है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक आव्यू लिखा ठीक है यह है एक दो तीन चार पांच तो देखो यहां पर दो पंक्तियां है तीन स्तंभ है तो इसकी कोटियों की दो गुणा तीन अब यहां पर बेटा एम जो है ना वो एन से कम है या मैं ये बोलू कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक है तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं छतिज आव्यू ठीक है और अगला होता है बेटा आव्यू अब एक ऐसा आव्यू एक ऐसा आव्यू जिसमें जिसमें एम ग्रेटर देन एन हो मतलब पंक्तियां स्तंभों से अधिक है तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर आव्यू यहां पर बच्चे अक्सर नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद करने का तरीका बेटा यह है कि जो कम है ना उसी के नाम से आव्यू जाना जाएगा जो कम है उसी के नाम से बेटा जाना जाएगा तो कम क्या है यहां पर क्या कम है पंक्तियां कम है एम कम है बेटा एन ज्यादा है तो एम कम है मतलब छतीस पंक्तियां कम है छतीस रेखा कम है तो छेतीस आवयु बोल दिया यहां पर अगले में स्तंभ कम है यहां पर स्तम तो यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है कम है तो इसका मतलब इसका नाम रख देंगे हम ठीक है? तो एक ऐसा जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या एक दो तीन चार तो पर तीन पंक्तिया दो स्तंभ हैं कोटी है तीन गुणा दो यहां तो पर देखो एम मान एन से अधिक है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर अवयु ठीक है इसके बाद अगला प्रकार है बेटा वर्ग आवयु ठीक है अब एक ऐसा आवयु एक ऐसा आवयु जिसमें अब वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तो एक ऐसा आवयु जिसमें m बराबर n हो अर्थात पंक्ति और स्तंभों पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों के दोनों बराबर हो उसे बेटा हम वर्ग आव्यू कहते हैं देखो जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगी तब तो वो होगा ऊर्ध्वाधर आधार जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होगी तो वो होगा क्षेत्र और जब दोनों ही बराबर होंगे तो वो होगा हो बेटा वर्ग आवयु तो एक ऐसा आवयु जिसमें एम बराबर एन हो उसे वर्ग आवयु कहते हैं ठीक है अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए आवयु है जिसमें अवयव हैं है ए आई जे के रूप में इसका क्रम है एम गुणा एन ठीक है तो यह है वर्ग आवयु होगा यदि एम बराबर एन हो ठीक है तो बेटा वो हमारा वर्ग आवयु हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मालीजे मैंने लिखा एक दो तीन चार तो यहाँ पर दो ही पंक्ति दो स्तंभ हो दो गया दो मान लीजिए मैंने लिखा एक दो तीन चार पाँच छ पांच चार तीन तो यहाँ पर देखो तीन ही पंक्तियां तीन ही तो बेटा एक वर्ग वर्गवयु तो एक ऐसा अव्यु जिसमें छिज रेखाएं और ऊर्द्वार रेखाएं बराबर होती है या फिर एक ऐसा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम वर्ग वर्गावयु कहते हैं और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आवयु है कभी कभार तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे मैंने आपसे पिछली क्लास में में पूछा था कि ये वर्ग आवयु कब होगा जब m बराबर n होगा ठीक है अच्छा इसके बाद चलते हैं अगले प्रकार पर अगला प्रकार है विकर्ण आवयु अब विकर्ण आवयु क्या होता है वो जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुख्य विकर्ण क्या होता है ठीक है तो विकर्ण आवयु बेटा हम एक प्रकार का वर्ग आवयु ही होता है अब मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग आवयु है ये मान लो बेटा कोई वर्ग आवयु है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री तीन गुणा तीन क्रम का बेटा ये एक वर्ग आव्यू है ठीक है सर आप कहां से पढ़े हैं बेटा देखो मैंने अपनी बारहवीं क्लास तक की पढ़ाई करी है राजस्थान बोर्ड से एंड देन उसके बाद मैंने बेटा चार साल की बीटेक की है एनआईटी इलाहाबाद से ठीक है और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अपना मार्गदर्शन बेटा मैं आपको दे रहा हूं पिछले पांच सालों से ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए बेटा यहां पर देखिए मुख्य विकरण क्या होगा तो ये जो अवयव है ना बेटा ए वन वन ए टू टू जिस विकर्ण में सम्मिलित हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकरण वैसे तो यहां पर दो विकर्ण है एक विकर्ण ये रहा एक विकरण ये रहा बट ये वाला जो विकरण है ना इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं मुख्य विकरण अच्छा यहां पर आपने एक चीज गौर की देखो ये क्या है ए वन वन ये है ए टू टू ये क्या है ए थ्री थ्री इसका मतलब ए आई जे मुख्य विकर्ण का अवयव होगा मुख्य विकर्ण का अवयव होगा यदि आई बराबर जे हो ठीक है मतलब जिन अवयवों के लिए पंक्ति नंबर और स्तंभ नंबर दोनों बराबर हैं वो हमारे मुख्य विकर्ण के अवयव हो जाएंगे ठीक है तो ये बेटा हमारा मुख्य विकरण हो जाएगा ओके बच्चों अब हम तो पढ़ रहे थे विकर्ण अवय यहां तो हमने मुख्य विकर्ण पढ़ा है सर आप में टैग क्यों नहीं किए सर आप में टैग क्यों नहीं किया समझ में नहीं आया मनोज कुमार क्या कह रहे हो 3.1 कब चलेगा अभी थोड़ी देर में चलेगा बेटा और समाप्त भी हो जाएगा ठीक है इसमें भाई ऐसा समझने की क्या बात थी क्लियर तो समझ में आ रहा है देखो ये जो अवय है ये मुख्य विकर्ण के अवयव है जहां पर आई बराबर जी ठीक है अब देखो विकर्ण आवयु क्या होगा ठीक है तो विकर्ण आवयु क्या होगा तो एक ऐसा आवयु एक ऐसा आवयु जिसमें जिसमें या एक ऐसा वर्ग आव्यू कहना ज्यादा सही रहेगा एक ऐसा वर्ग आव्यू एक ऐसा वर्ग आव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव सभी अवयव शून्य हो ठीक है एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आवयु कहलाता है विकर्ण आवयु कहलाता है ठीक है एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हो उससे हम विकर्ण आवयु कहते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो बेटा यहां पर हमने एक आवयु लिखा ए जीरो 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 सी तो यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सारे अवयव शून्य हैं ठीक है तो उसे बेटा हम विकर्ण आवयु कहते हैं ओके इसे हम विकर्ण आवयु कहते हैं अब यहां पर देखिए बेटा ए आई जे बराबर शून्य है जब आई Not equal to है जे के भाई ये वाला अवयव शून्य है ये शून्य है ये शून्य है ये शून्य है ये शून्य ये शून्य तो इन सब में क्या समानता है कि i और j दोनों अलग अलग हैं ठीक है तो जब i not equal to जे है तो ए आई जे बराबर है जीरो के तो उस वाले आवयु को बेटा हम विकर्ण आवयु कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं उसे हम विकर्ण आवयु कहते हैं क्लियर अच्छा इसके बाद अगला आवयु बेटा अधिस आवयु ठीक है अब अधिस क्या होता है तो एक ऐसा वर्ग आवयु एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव सभी अवयव शून्य हो तथा तथा मुख्य विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो समान हो अदिश आव्यू कहलाता है क्या बोलते बेटा उसको हम आव्यू कहते हैं आव्यू कहलाता है ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर बेटा मैंने एक आव्यू लिखा इस प्रकार से ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए ठीक है तो यहां पर आप दो चीज गौर कर सकते हो एक तो मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य हैं दूसरी चीज बेटा ये कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव आपस में समान है ठीक है तो इस प्रकार के आवयु को हम अध कहते हैं और बेटा विकर्ण आवयु और अध्यशावयु में अंतर भी ही होता है भाई विकर्ण आवयु में क्या था मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर नहीं थे अलग थे वो ठीक है यहां पर ये यह बराबर भी ठीक है अच्छा इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अधिसाव एक विकर्ण आवयु है परंतु प्रत्येक विकर्ण आवयु बेटा एक अधिसु नहीं है भाई विकर्ण आवयु में हमें क्या देखना है हमें वहां पर केवल ये देखना है कि भाई मुख्य विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त बाकी सारे अवयव शून्य होना चाहिए तो विकर्ण आवयु जाएगा जबकि इसमें हमें यह भी चाहिए कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव आपस में बराबर होने चाहिए ठीक है तो बेटा अधिसाव होगा इसका मतलब अधिस अवयु के अव की कंडीशन क्या होगी ए आई जे बराबर में ये होगा ए के जब आई बराबर है जे के एंड जीरो के बराबर होगा जब आई नॉट इक्वल टू होगा जे के तो ये हो जाएगी अव की शर्त ठीक है बेटा चलिए अब इसके बाद चलते हम अगले आवयू पर अगला अवयु बेटा तत्समक आवयु ठीक है अब तत्समक आवयु क्या होता है इसको बेटा किसी किसी किताब में इकाई आवयु भी बोला गया है इकाई आवयु ठीक है अब ये क्या होता है ये समझो ठीक है बेटा तस्मक तो आवयु क्या होता है तो एक ऐसा वर्ग आवयु एक ऐसा वर्ग आवयु जिसमें मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई अर्थात एक के बराबर हो ठीक है तो उसे बेटा हम तत्समक आवयु कहते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने एक आवयु लिखा एक जीरो जीरो एक तो यहां पर देखिए मुख्य विकर्ण हमारा ये है इसके अवयोग के अतिरिक्त बाकी सारे शून्य हैं। और मुख्य विकर्ण के अव्य आपस में बराबर है और ये एक के बराबर है तो इसे बेटा हम तस्मक आवयु कहते हैं सेम ऐसे ही एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक ये भी बेटा एक तस्मक आवयु है ठीक है ये बेटा दो गुणा दो कोटि का तस्समकयु है ये तीन गुणा तीन कोटि का तस्सम काव्यू हो जाएगा सेम ऐसे एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक ये बेटा चार गुणा चार कुटी का तस्मक आव्यु हो जाएगा ठीक है तो ये होता है बेटा तस्मक आव्यु। ओके बच्चों चलिए अब इसे बेटा हम आई से दर्शाते हैं ठीक है इसे हम आई से दर्शाते हैं ठीक है इसके बाद अगला प्रकार है बेटा शून्य आवयु या रिक्त आवयु अब नाम से पता लग रहा है शून्य मतलब सब कुछ जीरो के बराबर है ठीक है तो एक ऐसा आवयु एक ऐसा आवयु जिसमें सभी अवयव शून्य हो शून्य आवयु कहलाता है ठीक है बेटा एक ऐसा आयु जिसमें सभी आयुव शून्य हो उसे हम शून्य आयु कहते हैं ओके अच्छा यहां पर देखो हम अवयोग की परिभाषा देखें तो हम बोल सकते हैं बेटा कि ए आई जे बराबर होगा एक के जब आई बराबर जे है और जीरो के जब आई नॉट इक्वल टू है जे के ठीक है जबकि इस वाले में शून्य आवयु बेटा ए आई जे बराबर होगा शून्य के जैसे हमने लिखा जीरो, जीरो 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 तो ये बेटा दो गुणा दो कोटि का एक शून्य आयु है मैंने लिखा जीरो 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 तो ये बेटा तीन गुणा तीन कोटि का एक शून्य आवयु है बेटा शून्य क्लियर बच्चों ये बेटा शून्य आवयु होता है ओके क्लियर क्लियर एवरी वन ये बेटा शून्य आवयू होता है समझ में आ गया सभी को चलिए तो ये तो थे बेटा हमारे आवयु के प्रकार ओके। अब चलते हम अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है आवयु की समानता अब देखो बेटा हम समानता हमेशा दो वस्तुओं के बीच में करते हैं चाहे हम किसी भी चीज की कंपैरिजन करें चाहे यहां पर मैं किन्नी दो लड़कों के बीच समानता की बात करूं चाहे मैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की समानता की बात करूं चाहे मैं किन्हीं दो लड़कियों की समानता की बात करूं, चाहे मैं किन्हीं दो औरतों के बीच समानता की बात करूं तो समानता में सदैव हम दो या दो से अधिक लोगों के बीच करते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में करते हैं ठीक है अब यहां बात करें हम आवयु की समानता की तो हमें दो आवयु लेने पड़ेंगे ठीक है तो दो आवयु समान कहे जाएंगे दो आवयु समान होंगे यदि पहली कंडीशन दोनों की कोटि समान होनी चाहिए कोटि समान होनी चाहिए और दूसरी चीज संगत अवयव बराबर होने चाहिए ठीक है दोनों की कोटि समान होनी चाहिए और संगत अवयव बराबर होने चाहिए ओके बेटा जैसे मान लीजिए हमारे पास हैं दो आवयु लिखे हुए हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू एक आवयु ये है एक दूसरा आवयु है बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू ये दो आवयु हैं दोनों आवयु बेटा बराबर हैं तो बराबर कब होंगे जब ए वन वन बराबर बी वन वन होगा ए वन टू बराबर बी वन टू होगा ए टू वन बराबर बी टू वन होगा ए टू टू बराबर बी टू टू होगा तब बेटा ये दोनों आवयु बराबर होंगे ओके सर आपने बीटक के बाद एमटक क्यों नहीं किया बेटा मेरी मर्जी थी ठीक है इट्स माई चॉइस देखो मैंने बी टेक इतने शानदार कॉलेज से कर ली तो मुझे एम टेक की जरूरत ही नहीं थी तुरंत तुरंत बेटा मेरी जॉब लग गई थी ठीक है इसलिए आप लोगों से बोलता हूं मैं बार बार कि अच्छे से पढ़ाई करो जेई का एग्जाम दो जेई को क्रैक करो अच्छे एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लो आई कॉलेज में एडमिशन लो बस लाइफ चिल्लाए बेटा फिर तो चार साल बेटा आपके कॉलेज में कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और मस्त मजे में बीतेंगे ठीक है तो यही साल है अच्छे से मेहनत कर डालो ये साल और इस साल में यदि जेई में सिलेक्शन नहीं होता है तो अगला साल बस इनमें मेहनत कर डालो आपकी जिंदगी बेटा सुधर जाएगी ओके चलिए अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर बेटा उदाहरण है कि यदि ये दो आव्यू बराबर है तो हमें ए बी सी डी के मान याद करने ऐसे क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनते हैं तो दो अवयु समान कब होंगे जब संगत अवयव बराबर होंगे तो टू ए प्लस बी बराबर चार होगा ए माइनस टू बी बराबर माइनस तीन हो जाएगा ठीक है इसके अलावा पांच से माइनस डी बराबर ग्यारह होगा एंड चार से प्लस तीन डी बराबर चौबीस हो जाएगा चलिए बेटा सॉल्व करते हैं तो एक काम करता हूं मैं यहां पर मैं दो का गुणा कर लेता हूँ तो क्या चार ए प्लस दो बी बराबर आठ योग्य ए माइनस दो भी बराबर माइनस के तीन जोड़ते हैं ये कटेगा पांच ए बराबर पांच तो ए का मान आ जाएगा एक ए का मान एक यहां रखोगे तो बी का मान आ जाएगा दो ठीक है ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब कैसे सॉल्व करें यहां पर तीन का गुणा कर देते हैं तो क्या पंद्रह सी माइनस तीन डी बराबर तैतीस चार सी प्लस तीन डी बराबर चौबीस जोड़ दो ये कट गया तो पंद्रह चार उन्नीस से बराबर हो गया ये सत्यावन के सी बराबर आ जाएगा तीन सी का मान तीन यहां पे रखोगे डी का मान आ जाएगा चार तो ए बराबर एक बी बराबर दो सी बराबर तीन डी बराबर चार हमारा आंसर आ गया ठीक है तो ऐसे बेटा आवयो की समानता करते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे यहां पर देखो मैं एक्स वाई जेड के मान निकालने तो बस तुलना करनी है तुलना तो करोगे एक्स बराबर एक आएगा वाई बराबर चार आ जाएगा जेड बराबर तीन आ जाएगा ये हो गया पहले का आंसर से मैसे दूसरे का आंसर देखो अब यहाँ पर देखो बेटा एक्स प्लस वाई बराबर छ है पांच प्लस जेड बराबर पांच है तो जेड का मान तो जीरो आ गया एंड एक्स वाई बराबर है आठ के तो यहाँ पर दो केस संभव है एक्स बराबर दो वाई बराबर चार या एक्स बराबर चार वाई बराबर दो ये दो केस संभव है ठीक है चलिए इसके बाद तीसरे नंबर का अब यहां पर भी तुलना करें तो बेटा हमारे पास हो जाएगा देखो तुलना करने पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर नौ एक्स प्लस जेड इसके अलावा x प्लस जेड बराबर पांच एंड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा बेटा सात के ठीक है तो यहां पर एक्स प्लस जेड का मान रखोगे y का मान चार हो जाएगा जेड का मान तीन हो जाएगा एक्स का मान आ जाएगा दो ठीक है ये हमारे पास बेटा एक्स z के मान आ जाएंगे सिंपल तो ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है ऐसे क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोग को अंबर के तौर पर दे रखे हैं उनको करिएगा ठीक है ओके चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है बेटा आवयु पर संक्रियाएं अब आवयु के पर संक्रियाओं के ऊपर बेटा आपको चार प्रकार की संक्रियाएं पढ़नी है सबसे पहले आपको आवयों का योग करना सीखना है देखिए जैसे कि आप लोग बचपन में संख्याओं के ऊपर संक्रिय करते थे ना जिस संख्याओं का योग करना उनका अंतर निकालना गुणा करना भाग देना सेम ऐसे बेटा आव्यू पर भी हैं। अब पहली संक्रिया आवयु का योग दूसरी है आवयु का अध्य गुणा तीसरी है आवय का अंतर और चौथी है बेटा आवय का गुणन ये चार संक्रिया बेटा आपको पढ़नी है ठीक है अब एक एक करके हम चारों को जानते हैं ओके सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम आवयु के योग के बारे में ठीक है तो मान लीजिए बेटा हमारे पास एक आव्यू ए है जिसमें अवयव ए आई जे के रूप में इसकी कोटि है एम गुणा एन अब एक हमारे पास दूसरा आवयु बी है जिसका हमें इसी आवयु के साथ योग करना है मान लो इसमें अव्यव बी आई जे अब बेटा इसकी जो कोटी होनी चाहिए ना वो इस ए आवय की कोटी के समान होनी चाहिए ठीक है तो आप चाहो तो इस चीज को यहां पर नोट करके भी लिख सकते हो नोट करके कि दो आवयों का योग संभव है दो आवयों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटि समान हो ठीक है अब देखो इन दोनों आवयों का योग क्या होता है तो इन दोनों आवयों का योग होगा A प्लस बी ये भी बेटा एक ऐसा अवयु होगा जिसके अंदर ऐसे अवयव होंगे जो इन दोनों आवयों के संगत अवयों के योग होंगे ए आई जे प्लस बी आई जे ये होंगे इसकी कोटी भी एम गुणा एन होगी ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ए आवयु है इसमें अवयव है एक दो तीन चार कोटी है दो गुणा दो दूसरा अवयु बी है इसमें अवयव है जीरो दो चार छ इसकी भी कोटी बेटा दो गुणा दो है अब देखो इन दोनों अवयुओ का योग क्या होगा ए प्लस बी संगत अवय को आपस में जोड़ना है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का यहां पर एक है यहां पर जीरो है तो एक में बेटा जोड़ दो जीरो को इसी प्रकार दो में जोड़ दो दो को, तीन में जोड़ दो चार को एंड इस चार में जोड़ दो छह को तो ये होता है बेटा आवय का योग क्या हो जाएगा एक चार सात दस ये होता है बेटा आवय का योग ए प्लस बी ठीक है ऐसे बच्चों में का योग करते हैं ओके चलिए इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर एक उदाहरण है ए और बी दो दे दोखे हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है अब देखो बेटा ए प्लस बी क्या हो जाएगा तो दोनों को योग करना है संगत अवैध आपस में जोड़ दो तो हो गया दो प्लस वर्गमूल मूल तीन यहां हो गया वर्गमूल पांच प्लस एक यहाँ एक माइनस एक जीरो यहाँ पर दो माइनस दो जीरो यहाँ तीन और तीन छ हो जाएगा यहाँ पर बेटा एक बटे दो आ जाएगा ये बच्चों एक बटे दो है ऐसे बेटा आपको आवयु का कर योग करना है संगत अवय में बस संगत अवय को जोड़ते चलना है ओके okay, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है एक आवयु का एक से गुणा अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई आवयु ए है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में और इसकी कोटि है एम गुणा एन अब मैं इस आवयु ए के साथ किसी अधिस राशि के का गुणा करना चाहता हूं मतलब के ए ज्ञात करना चाहता हूं ठीक है तो बेटा यहां पर क्या होगा इस अदिश राशि के का गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ हो जाएगा तो k i j बन जाएगा कोटिस की m गुणा n ही रहेगी ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास a आव्यूह है दो, तीन, चार, 6 ठीक है अब मैं इस a आव्यूह के साथ 2 का गुणा करना चाहता हूं 2a तो बेटा इस 2 का गुणा आवयु ए के प्रत्येक अवयव के साथ में होगा तो ये हो जाएगा दो दुनी चार दो चौके दो आठ दो चौकी बारह ठीक है तो ये होता है एक आवयु का एक अध्यक्ष राशि के साथ गुणा उस अध्यक्ष राशि का आवयु के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है ओके बेटा क्लियर क्लियर बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक आवयु बी है जिसमें अब, अब, तो अब प्रत्येक होगा तो माइनस दो जीरो माइनस आठ माइनस बारह यह बेटा बन जाएगा ठीक है तो हम ऐसे एक आवयु के साथ एक अदिश राशि का गुणा करते हैं उसका गुणा प्रत्येक के साथ हो जाता है ओके अब अगला टॉपिक है आव्यू आव का ऋण आव्यू। आव अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई आव्यू आव ए है जिसमें अवयव ए आई जे के रूप में कोटि इसकी एम गुणा एन है अब यदि मैं इस ए इस आव्यू आव के साथ माइनस एक का गुणा करूं तो माइनस ए क्या होगा ये होगा माइनस ए आई जे एम गुणा एन ठीक है तो इसी को बेटा हम ए का ऋण आवयू कहते हैं अर्थात क्या हुआ देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ए आव्यू है एक दो तीन चार पाँच छ माइनस दो माइनस चार सात अब मैं माइनस ए निकालना चाहता हूँ। मतलब प्रत्येक अभ्यु के साथ माइनस ए का गुणा करना पड़ेगा तो क्या माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छ दो चार माइनस सात ये हो गया बेटा माइनस ए आव्यू मतलब क्या हुआ इस आवयु ए के प्रत्येक अवयव के चिन्ह बदल गए प्लस किसी माइनस हो गया माइनस किसी प्लस हो गया तो उसे बेटा हम इस ए आवयू का ऋणावयु कहते हैं ओके ये होता है बेटा ऋणावयु ओके अच्छा इसके बाद अब हम बात करते हैं आवयु के अंतर के बारे में तो आवयु का अंतर भी बहुत सिंपल है यदि हमारे पास ए आवयु है जिसमें अवयव में ए आई जे के रूप में ओटीएस की एम गुणा एन है ऐसे एक अन्य अवय बी है जिसमें अब बी आई जे के रूप में अब यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि कोटि समान होनी चाहिए जैसे आवयु का योग तभी संभव है जब दोनों आवयु की कोटि समान हो सेम ऐसे ही अवयु का अंतर भी तभी संभव है जब दोनों आवयु की कोटि समान हो ठीक है तो ये हमारे पास ए और बी हो गए अब यहां से देखिए बेटा ए माइनस बी क्या होगा ठीक है तो ये बेटा बराबर हो जाएगा यहां पर अवयव होंगे ए आई जे माइनस बी आई जे

योगी भाई मैं क्या कर रहा हूं मैं ए आव्यू के साथ में बी के ऋण आवयु का योग ही तो कर रहा हूं तो वही बेटा हमारा ए माइनस बी है तो अवयु का योग एक प्रकार का बेटा सॉरी आवयु का अंतर एक प्रकार का योग ही है ओके ओके बेटा क्लियर चलिए यहां पर उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण है ए और बी दो आवयु दे रखे आपको टू ए माइनस बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर टू ए मतलब आवयु ए के साथ हमें दो का गुणा करना है एक अधिस राशि का बेटा गुणा करना है तो इसका गुणा आवयु के प्रत्येक अवयव के साथ होगा तो क्या दो एकम दो दो दुनी चार दो तीय छः दो दुनी चार दो तीय छः, दो, दो ये बेटा बन जाएगा ठीक है बच्चों? अच्छा अब देखो क्या निकालना है टू ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा टू ए है दो चार छ चार छ दो माइनस बी आव्यू हो गया तीन माइनस एक तीन माइनस एक जीरो दो घटाइए बेटा क्या आएगा दो में से तीन गए माइनस का एक चार में से माइनस एक जाएगा पांच छ में से तीन गए तीन चार में से, से माइनस एक गया पांच छह में से जीरो गए छ में से दो गए तो जीरो हो जाएगा बस ऐसे आपको सॉल्व करना है क्लियर बेटा तो इस तरीके से आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको आवयु के योग के बारे में बताया अंतर के बारे में बताया एक अधिस राशि से गुणा के बारे में बताया ठीक है अब एक क्वेश्चन यह भी है बेटा यहां पर हमें थ्री ए माइनस फाइव भी परिकलित करना है तो ए आवियु बेटा हमें यह दे रखा है वहीं बी आव्यु बच्चों में ये दे रखा है तो यहां पर देखो थ्री ए क्या हो जाएगा थ्री ए आवयू तो आवयू ए के प्रत्येक कवि के साथ तीन का गुणा करना है तो ये हो जाएगा दो तीन पांच एक दो चार एंड सात दो, छंड फाइव भी क्या हो जाएगा बी आवयू के प्रत्येक कव्यु के साथ पांच का गुणा करना है तो दो तीन पांच पांच दो चार सात छह दो ये हो जाएगा बेटा अच्छा एक दो चार होगा एक दो चार होगा यहां पर ठीक है दो तीन पांच एक दो चार होगा यहां पर करेक्ट कर लो यहां पर एक दो चार होगा एक होगा अब बस थ्री ए माइनस फाइव बी करना है तो घटाइए बेटा

आपके सामने आ रहा है आज की क्विज का प्रश्न जो कि बेटा ये बताइए बच्चों से बच्चों इसका आंसर बताइए ज्यादा समय नहीं है बेटा आपके पास में जल्दी से इसका आंसर बताइए एक्स और वाई के मान क्या होंगे सारे बच्चे आंसर बताएंगे एंड इसके अलावा देखो बेटा मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में टॉप पर आज का होमवर्क दे रखा है मैट्रिक्स के लिए टेस्ट मैट्रिक्स के टेस्ट के लिए क्लिक करें लिखा हुआ है ना तो उसका मतलब है कि आज का होमवर्क है वो ठीक है तो उस होमवर्क को बेटा आपको जरूर करना है आज जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होमवर्क है आपको बेटा होमवर्क जरूर करना है सारे बच्चों को होमवर्क करना जरूरी है ठीक है चलिए अब चलते हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न बेटा ये यहां पर आपको a प्लस बी ज्ञात करना है बताइए a प्लस बी क्या होगा मेरा आंसर तो आ चुका है क्या आप लोगों का आंसर भी आ चुका है ए प्लस बी ज्ञात करना है ठीक है चलिए बेटा आपका सम होता है यहां पर समाप्त अब देखो यहां पर आंसर तो संगत अवयव आपस में बराबर होंगे तो x माइनस एक बराबर तीन एक्स का मान आ गया चार वाई प्लस दो बराबर पांच वाई का मान आ गया तीन हो गया चार बी ऑप्शन बेटा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का तो ओके okay. अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें इन दोनों का योग करना है तो ए प्लस बी बराबर संगत है आपस में जोड़ दो तो ये हो गया तीन प्लस दो आयोटा यहाँ आयोटा यहाँ तीन प्लस दो आयोटा या तीन प्लस चार आयोटा हो जाएगा ठीक है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन ओके कि भाई ये क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स की सबसे आसान इकाई चल रही है बेटा ये पूरी ट्वेल्थ की मैथ की सबसे आसान इकाई है और इस इकाई का नाम है बीज गणित और इस इकाई में है बच्चों आपके दो चैप्टर एक है बेटा आपका आवयू एंड सेकेंड चैप्टर है सारणिक जो कि आपका अगला चैप्टर होगा ठीक है आप देखो आवयु इस चैप्टर में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हो तो बेटा इस चैप्टर में आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हो सबसे पहले आप यहां पर के बारे में जानोगे जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हो आवयु की कोटि के बारे में जाना आपने आवयु के प्रकार पढ़े आपने काफी सारे आवयु की समानता के बारे में बात की अब हम बात करें आवयु पर संक्रियाओं के बारे में जिसमें आपने आवयु का योग करना सीख लिया है आवयु का एक अधिस राशि से गुणा करना सीख लिया है आपने आवयु का अंतर ज्ञात करना भी सीख लिया है अब बात करेंगे हम आवयु के गुणन के बारे में और यह बेटा वेरी 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 की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह बेटा ऐसा टॉपिक है जो आपको हंड्रेड एंड हंड्रेड परसेंट एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टॉपिक से बेटा एग्जाम में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक है तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए और इसलिए भी आना चाहिए बिकॉज अगले जो टॉपिक्स हैं ना वो सब इस टॉपिक पर डिपेंडेंट है अवश्य उपयोग होगा तो आपको आव्यू का गुणन अवश्य आना चाहिए ठीक है अच्छा इसके बाद में फिर हम बात करेंगे आवयु के परिवर्त के बारे में फिर हम सम्मित तथा विषम सम्मित आवयु के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम आवयु पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं देखेंगे फिर हम व्युतक्रम्यू के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में बेटा हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा का ज्ञात करना सीखेंगे तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने हैं पिछली क्लास तक बच्चों ने आव्यू पर कुछ इंपॉर्टेंट संक्रियाएं देख ली है आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट संक्रिया देखने वाले हैं ओके चलिए चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को सबसे पहले बेटा मैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का देन इसके बाद हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे ओके तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में मुख्यतः तीन संक्रियाओं के बारे में बताया था पहली हमारी संक्रिया थी बेटा आव्यों का योग कि हम आव्यों का योग किस तरीके से करते हैं भाई बचपन से हम लोग संख्याओं का योग करते हुए आ रहे हैं अब यहां पर हमने आव्यु पढ़ा एक नई चीज पढ़ी अब इसका योग कैसे करते हैं यह मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया ठीक है, देन इसके बाद हमने यहां पर आव्यू का किसी अधिस राशि से गुणा करना सीखा किसी अधिस राशि से गुणन ठीक है इसके बाद बेटा हमने आव्यू का ज्ञात करना सीखा और अब हम बात करेंगे आवयों के गुणन के बारे में ठीक है इन तीन संक्रियाओं को बच्चों हम पिछली क्लासेज में देख चुके हैं इसको भी इसको भी और इसको भी आवयु के गुणन के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे आवयों का हम गुणा करते हैं ओके चलिए अब देखो आवयों का योग हम कैसे करते हैं जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई आवयु ए है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में और इसकी कोटी है ए ठीक है अब हमारे पास एक अन्य आवयु है बी जिसमें अवयव है बी आई जे के रूप में ठीक है और इसको इसकी भी कोटी बेटा समान है एम गुणा एन बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो आव्यूह का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां बराबर हो तो ठीक है तो यदि ए आव्यूह की कोटी एम गुणा एन है तो बी आव्यूह की कोटी भी एम गुणा एन ही होनी चाहिए तभी इन दोनों आव्यूह का योग संभव है ठीक है अब दो आव्यूह का योग क्या होता है तो ये बेटा ए प्लस बी बराबर होता है इन दोनों आवय आवयों के संगत अवयवों के योग से बना आवयु ठीक है तो ये बेटा बराबर होता है आवयु ए आई जे प्लस बी आईजे और इसकी कोटी भी बेटा एम गुणा एन ही होती है ये होता है बेटा दो आवयु का योग ठीक है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बेटा जैसे मान लीजिए मेरे पास ए आवयु है एक दो तीन चार ठीक है ये बेटा हमारे पास ए आवयु है दो गुणा दो कोटि का ओके एक हमारे पास अन्य आवयु है बी मान लो बेटा हमारे पास है जीरो दो हमारे पास बी आवयु है इसकी भी कोटि बच्चों दोगुना दो है अब मैं दोनों आवयु का योग करना चाहता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए बेटा ए प्लस बी क्या होगा यह बच्चों बराबर होगा एक ऐसे अवयु के जो कि इन दोनों आवयों के संगत अवयवों के योग से बना होगा ठीक है संगत अवयव का मतलब क्या पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का योग पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के साथ ही होना चाहिए तो एक का योग होना चाहिए जीरो के साथ एक और जीरो दो और दो कितना हो जाएगा चार तीन और छह कितना हो जाएगा बेटा नौ चार और दस कितना हो जाएगा सत्यपाल कितना हो जाएगा सत्यपाल चार और दस का योग जल्दी बताओ मुझे सत्यपाल से मैंने पूछा है चार और दस का योग कितना होगा बेटा इतना टाइम लग रहा है क्या चौदह हो जाएगा संजय ने बता दिया बट सत्यपाल ने नहीं बताया लेट बताया बेटा तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया एक चार नौ चौदह इस तरीके से बेटा हम आवयो का योग करते हैं अब से बेटा बीच बीच में मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा करूंगा ठीक है तो सारे बच्चे एक्टिव रहिएगा किसी भी बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं और मुझे तुरंत का तुरंत उसका आंसर चाहिए ठीक है और जिस बच्चे से पूछूंगा वही आंसर देगा केवल ओके सर सभी राज्य की मैथ की लेसन सेम होते के सर हाँ बेटा लगभग लगभग सेम ही होते हैं ठीक है चलिए क्लियर बेटा ऐसे हम आवयू का कर योग करते हैं सबको समझ में आ गया सपना गुप्ता क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आ गया ऐसे बेटा हम का कर योग करते हैं हां बेटा बिल्कुल सौ में से सौ नंबर आ सकते हैं बस आप पूरे साल तैयारी करते रहो ठीक है चलिए तो ऐसे बेटा हम आवयु का कर योग करते हैं अब बात करते हैं हम एक आवयु के एक अध्यक्ष गुणन के बारे में तो मान लीजिए हमारे पास कोई आवयु ए है जिसके अंदर अवयव है ए आई जे के रूप में और इसकी कोटि है बेटा एम गुणा एन ठीक है अब मान लीजिए हमारे पास कोई अधिस राशि है के जिसका हम इस आवयु ए के साथ में गुणा करना चाहते हैं तो इस के का गुणा बेटा इस आवयु ए के प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है ये होता है किसी आवयु का एक अधिस राशि से गुणा ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा मान लीजिए बच्चों हमारे पास ए आवयु है दो माइनस तीन चार छ यह बेटा हमारे पास ए आवयु है अब इस ए आवयु के साथ में पांच का गुणा करना चाहता हूं तो यहां पर देखिए पांच ए हमारे पास क्या होगा पांच ए बराबर तो इस पांच का गुणा बेटा आव्यू ए के साथ करना है और आव्यू ए है दो माइनस तीन चार ठीक है अब इस पांच का गुणा बेटा इस आव्यू के प्रत्येक के साथ होगा तो पांच का गुणा दो से करेंगे पांच दुनिया दस माइनस तीन से करेंगे माइनस पंद्रह चार से करेंगे, पांचों से करेंगे पांच के बीस छह से करेंगे पांच की तीस ये बेटा हमारे पास पांच ए आव्यू बन जाएगा ठीक है तो ऐसे बेटा हम किसी अदिश राशि का गुणा किसी आव्यू के साथ करते हैं क्लियर सब मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था ठीक है यहां पर मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई आवयु ए है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में जिसकी कोटि एम गुणा एन है तो बेटा ए का ऋण आवयु होता है माइनस इसमें क्या होता है इसमें माइनस ए आई जे के रूप में कोटि बेटा इसकी होगी ठीक है बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास बेटा जो आवयु ए होता है ना उस आवयु ए के प्रत्येक अवयव के हम चिन्ह बदल देते हैं चिन्ह बदलने का मतलब प्लस को माइनस कर देंगे माइनस को प्लस कर देंगे ठीक है तो हमारे पास जो नया आवयु प्राप्त होगा वो पुराने वाले आवयु का होगा ओके okay, बेटा यदि किसी स्तंभ या पंक्ति में कोई कंसेट नहीं है कोई कंसेट है तो वो सभी अवयव का हो जाएगा सपना गुप्ता क्या कहना चाहते हो आपका कहना मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा हाँ बेटा क्लास ऑनलाइन चल रही है हो सकता है बेटा कि जैसे एनसीईआरटी इस साल चेंज हुई है तो आपके बोर्ड का सिलेबस भी चेंज हो जाए इसी वजह से मैंने आपसे अभी तक किताब खरीदने की नहीं बोला है मैंने आपको बोला है कि आप अच्छे से मेरी क्लासेस को अटेंड करिए किताब अभी मत खरीद के लाइए जब तक आपके बोर्ड आपका इस साल का सिलेबस ना घोषित कर दें तब तक ठीक है अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से अनाउंस कर देता हूँ बेटा देखिए आप अब से आप लोगों को डेली क्लास का होमवर्क दिया जा रहा है खुद मैं बच्चों आपको क्लास का होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसका ठीक है तो उस होमवर्क को अवश्य करिए उसके काफी सारे फायदे हैं आपको ये भी पता चलेगा बेटा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साथ में आपको इससे ये, ये भी पता चलेगा कि आपने जो आज पढ़ा जो सीखा वो आपने अच्छे से सीखा या नहीं सीखा आप क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये सारी चीजें बेटा आपको वहां से पता लगेंगी ठीक है तो होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके? Okay. नहीं बेटा दोबारा क्लास नहीं लेना पड़ेगा जो टॉपिक हट जाएंगे उनको हम छोड़ देंगे उनको आप लोग मत पढ़िएगा, ठीक है हां बेटा बिल्कुल हो सकता है ए प्लस बी माइनस सी भी हो सकता है भाई ए आवयू को बी आवयू के साथ जोड़ा फिर जो ए प्लस बी आया उसको सी से घटा दिया बिल्कुल बन सकता है बेटा आपने खरीद लिया तो कोई बात नहीं बेटा अब रखे रखो उसको है ना क्योंकि हो सकता है कि कुछ टॉपिक रिमूव हो जाएं अभी प्योर 100 परसेंट इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है जैसे आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा आपको यहीं पर बताया जाएगा बेटा सबसे पहले ठीक है तो इसलिए कह रहा हूं बार बार कि आप लोग इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए ये चैनल आपके एग्जाम तक आपकी अहम भूमिका निभाने वाला है ओके चलिए अब चलते आगे अब बेटा मैंने आपको आवयु का अंतर ज्ञात करना भी सिखाया था जैसे मान लीजिए हमारे पास ए आवयु जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में जिसकी कोटि एम गुणा एन है एक अन्य बी है इसमें अवयव बेटा बेटा बी आई जे के रूप में इसकी कोटि भी एम गुणा एन है मुझे ए माइनस बी ज्ञात करना है तो जैसे बेटा हमने आवयु के योग में संगत अवयव में संगत अवयव को जोड़ा था ना ऐसे हम आवयु के अंतर में संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाएंगे ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे कोटी बेटा इसकी एम गुणा एन ही होगी ये होता है बेटा आवयु का अंतर ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ए आवयु हमारे पास है दस बारह तेरह सत्रह ठीक है और बेटा बी आवयु हमारे पास है दो चार छ नौ मुझे यहां पर ज्ञात करना है ए माइनस बी तो देखिए बेटा माइनस बी क्या होगा हमें बेटा संगत में से संगत को घटाना है तो दस में से दो जाएगा तो आठ बचेगा बारह में से चार जाएगा आठ बचेगा तेरह में से छह जाएगा सात बचेगा सत्रह में से नौ जाएगा तो आठ बचेगा यह हमारे पास बेटा ए माइनस बी आ जाएगा ठीक है होमवर्क कहाँ मिलेगा रिमजिंग बेटा होमवर्क के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आना पड़ेगा उस यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा चैट सेक्शन में भी बेटा टॉप पर होमवर्क दे रखा है ठीक है वहां पर क्लिक करिए वहां पर आपसे नाम पूछेगा आपका मोबाइल नंबर पूछेगा देन उसके बाद क्वेश्चन होंगे चार पांच उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और प्रत्येक बच्चा सबमिट करेगा ठीक है हाँ बेटा लॉग इन तो करना पड़ेगा लॉग इन बच्चों करना पड़ेगा कर लो यार आपके भले की चीज है यार लॉग इन करने में क्यों दिक्कत ले रहे हो क्यों सोच रहे हो इतना लॉग इन कर लो आपके भले के लिए बेटा काम हो रहा है खुद मैं उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको दे रहा हूं ठीक है सीला बेटा मैंने आपका मैसेज पढ़ा सर लिंक खोलने के लिए लॉग करना पड़ेगा हाँ बेटा करना पड़ेगा बोला ना मैंने लॉग इन करना पड़ेगा बेटा ओके चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं आवयो के योग के गुणधर्मों में देखो अभी तक तो हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया बस ठीक है अब आवयो के हम योग के गुणधर्मों के बारे में बेटा जानते हैं तो यहां पर बच्चों हमारा पहला गुणधर्म होता है क्रम विनमय नियम पहला गुणधर्म बेटा क्रम विनमय नियम अब यह नियम क्या कहता है यह नियम कहता है कि आवयों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है मतलब ये कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के ठीक है आवयों का योग बेटा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है इसे जल्दी से हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेते हैं जैसे मान लीजिए ए आवयु हमारे पास है एक दो तीन चार पाँच छ कोटी ए बेटा दो गुणा तीन एक दूसरा आवयु बी है ये है दो तीन चार पाँच छ सात इसकी भी कोटी बेटा दो गुणा तीन है अब यहाँ पर बच्चों हम पहले निकालते हैं ए प्लस बी देखिए ये क्या होगा एक के अवयव को बी के अवयव के साथ जोड़ना है तो एक और दो तीन दो और तीन पांच तीन और चार सात चार और पांच नौ पांच और छह ग्यारह छ और सात तेरह हो जाएगा ये आ गया बेटा ए प्लस बी यहां पर बच्चों यदि हम बी प्लस ए निकालेंगे तो ये देखिए बेटा क्या होगा अब हमें क्या करना है अब बेटा हमें बी आवयु के अवयव के साथ एवयु के अवयव का योग करना है तो दो और एक तीन तीन और दो पांच चार और तीन सात पांच और चार नौ छ और पांच ग्यारह सात और छ तेरह हो जाएगा ये आ गया बेटा बी प्लस ए ठीक है अब देखो बेटा ए प्लस बी और बी प्लस ए इन दोनों को ध्यान से देखो पहली पंक्ति क्या तीन पांच सात यहां क्या तीन पांच सात दूसरी पंक्ति क्या नौ ग्यारह तेरह यहां क्या नौ ग्यारह तेरह तो दोनों बराबर हैं तो ए प्लस बी बराबर हो गया बी प्लस ए के तो आव्यू का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ठीक है चलिए अब चलते हैं दूसरे गुणधर्म पर दूसरा गुणधर्म है बेटा सा नियम अब यह नियम बच्चों कहता है कि आव्यूह का योग साचर नियम का पालन करता है तो ए प्लस ऑफ बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के ठीक है का योग साचर नियम का भी पालन करता है ओके बेटा चलिए इसके बाद तीसरा गुणधर्म बेटा योगात्मक तस्समक का अस्तित्व ठीक है बेटा तस्समक अवयव के बारे में आपने पहले अध्याय में भी पढ़ा है वहां पर बेटा आपने पढ़ा है कि यदि ए स्टार बी बराबर हो ए के बराबर हो बी स्टार ए के तो बेटा मैं इस बी को A का हम बी को ए का तत्समक अवयव कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं ठीक है बेटा अच्छा अब यहां पर हमें क्या करना है यहां पर चूंकि बच्चों हम आवयु का योग कर रहे हैं तो यहां पर मुझे एक ऐसा आवयु चाहिए जिसको यदि मैं ए के साथ जोड़ू तो मुझे ए आवयु ही मिले ऐसा बेटा मुझे बी आवयू चाहिए ठीक है अब ये बी आवयु क्या होगा बच्चों ये यहां पर बेटा बी आवयू होगा शून्य आवयु क्या होगा बेटा शून्य आवयु होगा ठीक है तो शून्य आवयु योगात्मक तत्समक होता है ओके शून्य आवयु योगात्मक तस्मक होता है ओके तो यहां से बेटा आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस शून्य आवयु बराबर होगा ए के बराबर शून्य आवयु प्लस ए के ये आपको ध्यान रखना है ये है योगात्मक तस्मक का अस्तित्व ठीक है इसके बाद चौथा गुणधर्म बेटा योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व युगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व ठीक है अब यहां पर बच्चों में ए आव्यू में एक ऐसे आव्यू को जोड़ना है कि मुझे योगात्मक तत्समक यानी शून्य आव्यूह मिले ठीक है और ये बराबर होना चाहिए बी प्लस ए के ओके अब यहां पर देखिए बेटा ये बी आव्यूह क्या होगा तो यहां पर बच्चों ये बी आव्यूह होगा बी बराबर माइनस ए होगा ठीक है तो इसका मतलब ए का ए का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम आवयु ए का ऋण आवयु होगा क्या होगा बेटा आवयु ए का ऋण आवयु होगा ठीक है आवयु ए का योगात्मक प्रतिलोम बच्चों ए का ऋण आवयु होगा ठीक है ए का ऋण आवयु होगा ए का ऋण आव्यु हो जाएगा यानी कि माइनस ए हो जाएगा ठीक है तो ये थे बेटा आपके आव्यो के योग के गुणधर्म ओके बच्चों चलिए अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एक आव्यो के अदिश गुणन के गुणधर्मों के बारे में ठीक है तो यहां पर बेटा पहला गुणधर्म है यदि बेटा हम किसी अदिश राशि के का ए प्लस बी के साथ गुणा करें तो ये बेटा बराबर होता है के ए प्लस के बी ठीक है इसके बेटा बराबर होता है इसके अलावा सेकंड गुणधर्म यदि बेटा हम k प्लस एल दो हमारे पास अदिश राशियां हैं इनका हम किसी आवयु ए के साथ गुणा करें तो यह बेटा बराबर होता है k a प्लस एल ए के ठीक है तो यह बेटा आवयु के अधिस गुणन के गुणधर्म ओके बेटा अच्छा अब इसके बाद बच्चों में यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उदाहरण है यहां पर बच्चों आपको ए आव्यू दिया गया बी आव्यू दिया गया तथा तो बोला गया है कि टू ए प्लस थ्री एक्स बराबर फाइव बी है तो आपको आव्यू करना है, अब देखिए बेटा आव्यू एक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे सारे बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे ठीक है तो बच्चों हमें दिया गया है टू ए प्लस थ्री एक्स बराबर फाइव बी मुझे क्या निकालना है x आव्यू तो x वाले पदों को एक तरफ रखो बाकी के पदों को दूसरी तरफ भेज दो अब मैं क्या करता हूं सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 2a आव्यू घटाते हैं ठीक है तो इसको बेटा ऐसे लिख देता हूं मैं 2a 3x 2a 5b 2a ठीक है अब 2a 2a ये बन जाएगा बेटा शून्य आव्यू। तो ये मेरे पास होगा शून्य आव्यू प्लस थ्री एक्स बराबर में फाइव बी माइनस टू ए ठीक है अब किसी आवयु के साथ यदि आप शून्य आवयु को जोड़ोगे तो आपको वही का वही आवयू मिलेगा तो यहां से थ्री एक्स बराबर हो जाएगा फाइव बी माइनस टू ए तो x बराबर हो जाएगा बेटा 5 बटे तीन बी माइनस दो बटे तीन ये बेटा हमारे पास x आवयु आ जाएगा ठीक है अब यहां पर b और a आवयू के मान रख देंगे तो देखिए बच्चों हमारे पास x आवयु क्या बनेगा x बराबर पांच बटे तीन गुणा b आवयु क्या बेटा यहां पर b आवयु हमारे पास है b आवयु है बच्चों हमारे पास दो माइनस दो चार दो माइनस पांच बेटा बी आवयु है ठीक है माइनस दो बटे तीन ए आवयु क्या है बेटा यहां पर एव्यू बच्चों हमारे पास है आठ जीरो चार दो, एंड तीन छो एवयु है ठीक है बेटा अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम यहां पर इस अदिश राशि का गुणा इस आवयु के साथ करेंगे और इस अदिश राशि का गुणाम इस आव्यू के साथ करेंगे तो बेटा जी ये हमारे पास बनेगा बराबर में गुणा करो बेटा पांच बटे तीन का यहां पर तो हो गया दस बटे तीन पर हो गया माइनस के दस बटे तीन यहां पांचों के बीस बटे तीन यहां पर दस बटे तीन यहां पर माइनस के पच्चीस बटे तीन यहां पर हो जाएगा पांच बटे तीन ठीक है इसमें से मुझे घटाना है दो बटे तीन गुणा इस आवयू को तो ये हो जाएगा सोलह बटे तीन यहाँ पर जीरो यहाँ पर आठ बटे तीन यहाँ पर माइनस के चार बटे तीन यहाँ पर छः बटे तीन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बारह बटे में तीन ठीक है घटाइए बेटा तो यहाँ से हमारे पास एक्स आवयू बराबर हो जाएगा दस में से सोलह गए तो माइनस के छः बटे तीन मतलब माइनस का दो ठीक है माइनस दस बटे तीन माइनस जीरो तो माइनस के दस बटे तीन हो जाएगा बीस बटे तीन में से आठ बटे तीन गए तो बारह बटे तीन यानी कि चार दस में से दस और चार चौदह बटे तीन माइनस पच्चीस माइनस छह माइनस के इकतीस बटे तीन यहां पर पांच पांच में से बारह गए तो माइनस के सात बटे तीन हो जाएगा ये बेटा हमारे पास एक्स आवयू आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बेटा हमें इस प्रश्न को हल करना था माइनस टू ए क्यों घटाया इसलिए घटाया बेटा ताकि यहां पर केवल एक्स आव्यू बचे टू एव्यू था ना इसलिए हमने माइनस टू ए घटाया ठीक है कितने आसान चीज है यार क्लियर बेटा ऐसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं अगला उदाहरण है यहां पर बेटा हमें एक्स और वाई आव्यू ज्ञात करने यदि एक्स प्लस वाई ये है और एक्स माइनस वाई ये ठीक है देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो बेटा जी यहां पर मान लो ये हमारे पास में समीकरण नंबर एक है और ये हमारे पास समीकरण नंबर दो है इन दोनों समीकरणों को हम आपस में जोड़ते हैं जोड़ने पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा बराबर यहां पर यह हो जाएगा बेटा पाँच दो जीरो नौ प्लस तीन छह जीरो माइनस एक हो जाएगा ठीक है अब माइनस वाई को जोड़ोगे तो शून्य आवयु मिलेगा भाई इस में इसमें ऋण आवय को जोड़ोगे तो शून्य आवयु मिलेगा ठीक है और शून्य को इन के साथ जोड़ोगे तो यही, यही मिलेंगे मतलब यहां पर मिल जाएगा एक्स और एक्स दो एक्स बराबर इन दोनों का योग देखिए क्या होगा पांच और तीन आठ छ और दो आठ यहां जीरो नौ में से गया तो आठ हो जाएगा ठीक है हमें चाहिए केवल एक्स आवयु तो x बराबर होगा एक बटे दो गुणा आठ आठ जीरो आठ के ठीक है तो अब एक बटे दो का प्रत्येक अब उसे गुणा कर देंगे तो x आव्यू आ जाएगा चार चार जीरो चार ये बेटा हमारे पास x आव्यू आ गया अब चाहिए मुझे y आव्यू तो यहां से देखिए बेटा y आव्यू क्या होगा y आव्यू बेटा बराबर हो जाएगा पांच दो जीरो नौ माइनस एक्स आव्यू के ठीक है तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा पांच दो जीरो नौ माइनस एक्स आवयु बेटा चार चार जीरो चार ठीक है अब यहां पर बेटा हमें इस आवयु में से इस आवयु को घटाना है तो संगत आवयु को आपस में घटा दीजिए पांच में से चार गया एक दो में से चार गया माइनस के दो जीरो में से जीरो गया जीरो नौ में से चार गया तो पांच हो जाएगा ये बेटा यहां पर बन जाएगा ठीक है ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा तो ये बेटा हमारे पास वाई आवयु आ गया क्लियर इस तरीके से आपको बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करना था ठीक है एक बार फिर से देखिए बेटा हमें यहां पर इस प्रश्न में एक्स प्लस वाई आव्यू दे रखा और एक्स माइनस वाई आव्यू दे रखा है मुझे इन दो समीकरणों की सहायता से एक्स और वाई आवयु के मान ज्ञात करने तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले मैंने इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ा अब जोड़ते कैसे हैं भाई बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हैं दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ते हैं तो यहां पर हमने सबसे पहले बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ा और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ दिया लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ा राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ दिया ठीक है अब वाई माइनस वाई ये हो जाएगा शून्य आवयु शून्य आवयु को एक्स के साथ जोड़ोगे तो एक्स ही रहेगा एंड एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा बराबर इन दोनों आवयु का योग कर लिया यहां से x बराबर बन जाएगा बेटा ये अब एक बटे दो का ऐसे बेटा आपको ये, ये, तो तो ये प्रश्न करना था ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है यहाँ पर बच्चों में एक्स तथा वाई ज्ञात करना यदि ये हमें समीकरण दे रखा है तब ठीक है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो पहले इस दो अधिस राशि का गुणा इस आवयु के साथ करेंगे तो ये बेटा मेरे पास बन जाएगा यहां से दो, जीरो, दो है? प्लस। ये है वाई, जीरो एक दो बराबर यहां है बेटा पांच छ एक आठ कितना आसान प्रश्न है अब देखो हमें इस आवयु में इस आवयु को जोड़ना है कितना सिंपल है यार ये हो गया दो प्लस वाई छह में जीरो को जोड़ोगे छह जीरो में एक को जोड़ोगे एक ये हो जाएगा दो प्लस दो एंड बराबर में ये हो जाएगा पांच देखिए बेटा ये दोनों बराबर है बराबर हैं, भाई बीच में का चिन्ह है दोनों आवयु बराबर हैं और हम जानते हैं दो आवयु बराबर कब होते हैं जब उनके संगत वे बराबर हो तो यहां से तुलना करने पर तुलना करने तुलना करने पर क्या होगा बेटा ये हो जाएगा दो प्लस वाई बराबर में पांच सो वाई का मान आ जाएगा तीन के बराबर एंड मेरे प्यारे बच्चों दो एक्स प्लस दो बराबर होगा आठ के तो यहां से दो एक्स बराबर छ हो जाएगा एक्स का मान भी तीन आ जाएगा तो एक्स बराबर भी तीन है बेटा और वाई बराबर भी तीन है ओके बच्चों क्लियर ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था ठीक है चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर भी हमें x, y, z और w के मान ज्ञात करने हैं तो ऐसे सॉल्व करना है पहले तीन का यहाँ पर गुणा करोगे तो हो गया तीन एक्स तीन वाई तीन जेड तीन डब्लू बराबर इन दोनों आव्यूह आप को आपस में जोड़ दीजिए तो हो गया x प्लस चार यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस यहां पर होगा जेड प्लस डब्लू माइनस एक यहां पर हो जाएगा दो डब्लू प्लस में तीन दो बराबर हैं, तो संगत अभी बराबर होंगे तो तुलना करने पर तुलना करने पर देखिए बेटा तुलना करने पर क्या होगा ये हो जाएगा तीन एक्स बराबर एक्स प्लस चार यानी कि दो एक्स बराबर चार अर्थात एक्स बराबर आ जाएगा दो के ठीक है इसके अलावा तीन वाई बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस छः के तो यहाँ से दो वाई बराबर हो जाएगा एक्स का मान दो है तो छः और दो आठ हो जाएगा तो वाई का मान आ जाएगा चार के बराबर ओके इसके अलावा यहाँ पर देखिए तीन डब्लू पहले तीन जेड बराबर लिख दो जेड प्लस डब्लू माइनस एक तो दो जेड बराबर हो जाएगा डब्लू माइनस एक के एंड तीन डब्लू बराबर होगा दो डब्लू प्लस में तीन के तो यहां से बेटा डब्लू बराबर आ जाएगा तीन डब्लू का मान तीन यहां पे रखोगे तो दो जेड बराबर हो गया तीन में से गए तो दो जेड का मान आ गया एक तो एक्स बराबर दो वाई बराबर चार जेड बराबर एक एंड डब्ल्यू बराबर तीन ये बेटा इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे ठीक है ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था और बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और ऐसे आपको बेटा ने सॉल्व करना है ठीक है चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं आव्यूह के गुणन के बारे में कि किस तरीके से हम आव्यूह का गुणा करते हैं अब पहले तो मैं आपको यह समझाता हूं कि आव्यूह के गुणन का कांसेप्ट आया कहां से ठीक है तो मान लीजिए आपकी क्लास के कोई दो बच्चे हैं ठीक है कोई भी दो बच्चे रैंडमली मैंने ले लिए मान लो एक है शिवम और एक है मान लो शीला ठीक है ये कोई दो बच्चे हैं आपकी क्लास के शिवम है एक तो और एक है शीला इन्हें कुछ पुस्तकें और कुछ पेन खरीदने हैं ठीक है मान लो शिवम को तीन तो पुस्तक खरीदनी है और दस पेन खरीदने हैं वहीं शीला को मान लीजिए दो पुस्तक खरीदनी है और छह पेन खरीदने हैं ठीक है अब ये गए मार्केट में मार्केट में इन्होंने दुकानदार से भाव पूछा कि भाई पुस्तक कितने की है तो दुकानदार ने बताया कि भाई पुस्तक का मूल्य है पुस्तक का मूल्य बताया दुकानदार ने सौ रुपये और पेन का मूल्य बताया दुकानदार ने दस रुपये ठीक है अब मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवम दुकानदार को कितने रुपए देगा और सीला दुकानदार को कितने रुपए देगी अब वैसे तो बेटा ये बहुत आसान है हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं बट यहां पर देखिए हमारे पास केवल दो बच्चे हैं और दो ही चीजें वो खरीद रहे हैं अब यदि हमारे पास एन नंबर ऑफ बच्चे हों और वो एन नंबर ऑफ चीजें खरीद रहे हों तो फिर उस केस में बेटा गुणा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो इसलिए बच्चों इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आवयु की जरत पड़ी। अब आव्यू की जरूरत किस तरीके से पड़ी? ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास इन इनफॉरमेशन का एक आव्यू था, जो कि था ये तीन दस दो छः, ठीक है? और इन इनफॉरमेशन का भी बेटा मेरे पास एक आव्यू था, और ये आव्यू बेटा सौ दस, ठीक है और इनसे देखो रिजल्ट क्या मिलेगा देखिए बच्चों यहां पर मैंने यह तो लिया शिवम को और यह लिया बेटा मैंने शीला को यह मेरी थे पुस्तक और यह बेटा पेन थे ठीक है अब यहां पर बेटा मैंने यह ले ली पुस्तक का मूल्य और यह ले लिया पेन का मूल्य ठीक है अब इससे मेरे पास बेटा यहां पर अवयु बनेगा जिसमें यह वाला जो अवय होगा ये तो मुझे बताएगा शिवम दुकानदार को कितने रुपए देगा ये और ये मुझे बताएगा कि सीला दुकानदार को कितने रुपए देगी ये ठीक है अब शिवम वैसे दुकानदार को कितने रुपए देगा तीन सौ और सौ चार सौ तो यहां पर आ जाएगा बेटा चार सौ यहां पर देखिए दो सौ और साठ दो सौ साठ आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली मैंने जब इस आप का इस आप के साथ गुणा किया तो बेटा मुझे ये आप मिला ठीक है तो ये होता है बेटा आवय का गुणन ठीक है यहां पे यहां इसलिए आव्य के गुणन की जरूरत हुई ठीक है अच्छा अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आवय का गुणन कब परिभाषित होता है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए आवय के गुणन की शर्त आवय के गुणन की शर्त कि आवयु का गुणन कब परिभाषित होता है ठीक है तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई ए आवयु है जिसकी कोटी है एम गुणा एन ठीक है एक हमारे पास बी आवयु है इसकी कोटी है बेटा पी क्रॉस क्यू ठीक है अब इन दोनों आवयु का गुणन होगा बेटा ए बी तो ए बी के परिभाषित होने के लिए ए बी के परिभाषित होने के लिए अब क्या कंडीशन होनी चाहिए ए बी के परिभाषित होने के लिए क्या कंडीशन होगी बेटा कंडीशन होगी ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए परिभाषित होने के लिए ए के ए के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी की पंक्तियों की संख्या के अर्थात एन बराबर होना चाहिए बेटा पी के तब बच्चों एबी परिभाषित होगा ठीक है और एबी की कोटि क्या होगी तथा ए बी की कोटि ये हो जाएगी बेटा एम क्रॉस क्यू होगी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अधिकांश बच्चों को तो यही मालूम नहीं होता है कि कब आव्यु गुणन परिभाषित होगा कब नहीं होगा ठीक है तो ए बी के परिभाषित होने के लिए जरूरी है कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी ए बी परिभाषित होगा एंड ए बी की कोटि होगी ए की पंक्तियों की संख्या गुणा बी के स्तंभों की संख्या अर्थात एम क्रॉस क्यू होगी ठीक है अच्छा इसी तरीके से यदि बेटा यहां पर हम बात करें बी ए की ठीक है बी ए की यदि हम बात करें तो बी ए के परिभाषित होने के लिए परिभाषित होने के लिए बी ए के परिभाषित होने, होने के लिए बेटा बी के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए ए की पंक्तियों की संख्या की ठीक है अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि बी के स्तंभों की संख्या यानी कि Q बराबर होनी चाहिए ए की पंक्तियों की संख्या यानी कि एम के ठीक है एंड बी ए की कोटी हो जाएगी बी ए .E. की कोटी बी .E. की पंक्तियों की संख्या यानी कि पी क्रॉस A के स्तंभों की संख्या नहीं एन होगी ठीक है तो ये चीज बेटा आपको ध्यान में रखनी है ओके अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ए बी के परिभाषित होने के लिए तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए बी के परिभाषित होने के लिए बी ए के परिभाषित होने के लिए बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए सर कभी कभार हमारा दिमाग है चीज़ों में फट जाता है हम लोग याद नहीं रख पाते ये क्या इसको याद करने की आपके पास कोई औषधि है तो बिल्कुल बेटा इसको याद करने की मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार औषधि है और वो बेटा ये है आप भूल जाइए आपको किसे परिभाषित करना है ठीक है बस एक चीज याद रखिएगा कि जो पहले आवयु आ रहा है ना जो पहले आवयु आ रहा है इसके स्तंभों की संख्या बाद वाले आवयु के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए अब चाहे कोई सभी ठीक दे दे, है क्या याद रखना आपको पहले वाले आवयु के स्तंभों की संख्या बाद वाले आवयु के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए तभी हमारा आवयु का गुणन संभव होगा यहां पर देख लो पहले कौन सा आ रहा था ए तो ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए यहां पर क्या आ रहा था पहले बी तो बी के स्तंभों की संख्या ए की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए ठीक है परिभाषित कहां से कहां तक होगा तो ये होगा बेटा पहले वाले के पंक्तियों की संख्या गुणा दूसरे वाले के स्तंभों की संख्या ठीक है इसमें बेटा इसकी कोटि हो जाएगी क्लियर तो आव्यो गुणन बेटा तभी परिभाषित होता ओके okay, बच्चों चलिए अब का गुड़न किस प्रकार से करते हैं और इसके क्या गुणधर्म होते हैं चलिए इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि आज बेटा समय कुछ ज्यादा हो गया है ओके तो चलिए बच्चों आज किस क्लास को मेरे पे स्टॉप करते हैं मुझे उम्मीद है बेटा आप सभी को आज की क्लास में काफी मजा आया होगा अब एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि बेटा आज की क्लास का होमवर्क आपको दिया जा चुका है आपके पास लिंक है चैट सेक्शन में भी है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी है बेटा उस लिंक पर क्लिक करिए जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है उनको भरिए देन उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको अवश्य करिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और यकीन मानो यदि आप डेली होमवर्क करते रहोगे तो बेटा आपके अंदर ना केवल कॉन्फिडेंस जागेगा बल्कि आप इस साल के मैथ के पेपर को फोड़ के आ जाओगे ठीक है तो सभी बच्चों की चाय ना मैथ में सौ में से सौ नंबर लेकर आना तो इसके लिए बेटा डेली होमवर्क आपको करना है डेली की क्लासेज देखनी है इसके अलावा जो क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको भी आपको खुद से करना है ठीक है चलिए अब चलिए बच्चों आज किस क्लास को मेरे पे स्टॉप करते हैं मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की इस क्लास में काफी मजा आया होगा है ना अब जब जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए इन सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ वही जिन बच्चों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से बेटा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वहीं पर आपको इस क्लास की पी मिलेगी ओके बच्चों चलिए अब आपके दीपक सर आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बच्चों बाय बाय टेक केयर एवरी वन गुड नाइट बेटा बाय बाय बच्चों बाय 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 बेटा